वॉल्यूम एंड एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट। तो ये हो गया, यहां भी कनेक्ट हो गया। चलो जी, यस सर, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एज वेल। याद होगा तो हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम लोग का रिटर्न ऑफ इनकम टॉपिक चालू था, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह हमें क्या करना होगा, रिवीजन। एक अच्छी चीज इस बैच में मुझे ध्यान आई है कि मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए, तो मैं आज इसे इंप्लीमेंट करने के मूड में हूं। देखिए क्या होता है, बच्चा सिंस आप लोग जितने भी फेस टू फेस वाले लोग हो, ये भी अपने घर पे जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता कि हम लोग बुक खोल करके पढ़ सके। टेक्नोलॉजी का जमाना है, कुछ तो नया करना चाहिए, तो मेरे दिमाग में बस एक थॉट आया है, क्यों ना इसको किया जाए, जितने चैप्टर अपने हो जाए उसके बाद इसका हम ऑडियो रिवीजन तुरंत रिकॉर्ड कर ले। ठीक है, ऑडियो रिवीजन रिकॉर्ड करने से फायदा ये होगा, ऑडियो रिवीजन रिकॉर्ड करने से फायदा ये होगा कि आप तुरंत ही क्या कर पाएंगे, बुक खोल के नहीं पढ़ना हो रहा या रात में नींद नहीं आ रही, कान में लगा करके इसको सुन पाओगे, तो एटलीस्ट क्या होगा, मेरे तरफ से एक एडिशनल सर्विस हो जाएगी आप लोगों के लिए, उतना ही फैसिलिटी और भी बच्चों के लिए रेडी हो जाएगी। यस, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह हमने करना चाहिए और विल डू इट सर्टेनली। यस, तो लेक्चर जैसे ही खत्म होता है मे बी चैप्टर नंबर 1 का हम लोग क्या करेंगे, रिविजन कर लेंगे। इसको करने के लिए दो चीजें, प्लीज मेक श्योर कि आपके फोन के अंदर में स्पेस हो, जितने आपके रामायण महाभारत के वीडियो हो वो आप अकॉर्डिंगली मैनेज करें, बस स्पेस होनी चाहिए, और इसके बाद जिस टाइम हम ये करते रहे उस टाइम पे बस आप अपनी आंखें बंद करके मेडिटेशन मोड के अंदर में बस बैठ जाएं और बस सिर्फ रिवाइज करते रहें। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने रिटर्न ऑफ इनकम शुरू किया था, से यस, राइट। रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर में हमने सबसे पहला सेक्शन जो टेकअप किया था वो क्या था बेटा, पैन। पैन के अंदर में हम लोगों ने देखा था कि रूल 114 भी आपको लिस्ट भी देता है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जिसमें आपको पैन सबमिट करने की दरकार है, राइट। हालांकि ये लिस्ट हमें याद करने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा पैन किस किस को लेना जरूरी है, चलो एवरीबॉडी याद करके देखो, रिकॉल करके देखो, पैन किस किस को लेना जरूरी है। पहला, एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। सेकेंड, हुज सेल्स और ग्रॉस रिसीट एक्सीड 5 लाख। थर्ड, पर्सन रेसिडेंट अदर देन इंडिविजुअल हुज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्सीड 2,50,000। फोर्थ, एवरी पर्सन जो पोजीशन लेने जा रहा है एमडी, डायरेक्टर, ट्रस्टी, सीईओ एटसेट्रा, तो वो क्या करेगा, ये पैन लेगा, एंड एनी अदर पर्सन सो प्रिस्क्राइब। यस, इसके बाद अगर आपको याद हो, अगर आपके पास पैन नहीं है या पैन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको फॉर्म नंबर 60 सबमिट करना पड़ता है। यस, हर वो व्यक्ति जिसको पैन अलॉट हुआ है, ही विल कम्युनिकेट हिज पैन और आधार टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ही विल लिंक इट बाय अ स्पेसिफाइड डेट। ठीक है, मैं तो कहूंगा एग्जाम में भी आप स्पेसिफाइड डेट ही लिखे रादर देन 2023 एंड ऑल, स्पेसिफाइड डेट, खत्म। अच्छा, एनी पर्सन हु इज एंटरिंग इन टू सच ट्रांजेक्शन, यस, और रिसीविंग एनी डॉक्यूमेंट शैल हैव टू ऑथेंटिकेट द पैन और आधार सबमिटेड। यस, दिस इज द न्यूएस्ट प्रोसेस। हालांकि वो कौन से सर्विसेज होंगे और कौन से ट्रांजेक्शन होंगे इस बारे में पता नहीं है। पैन कब तक लेना है, इस बारे में नोटिफिकेशन आया था अगर आपको याद हो तो। यस, पैन कब तक के लेना है मेरे भाई, पैन आपको लेना है दो सिचुएशन में, बाय द एंड ऑफ द ईयर, बाकी हर सिचुएशन में 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर। यस, दो सिचुएशन कौन सी है, पहला चैरिटेबल ट्रस्ट और दूसरा वेयर सेल्स एक्सीड 5 लाख। ये दो सिचुएशन ऐसी है जहां पे आपको बाय द एंड ऑफ द ईयर दैट इज 31 मार्च तक के लेना है, एल्स बाकी सारे केसेस में मालिक आपको क्या करना है, 31 मई तक के आपको आपका पैन सबमिट करना है, पैन लेना है, राइट। अगर आपने पैन नहीं लिया 10,000 तक की पेनल्टी, पैन दिया पर गलत दिया, पैन किसी और का कोट किया या जहां सबमिट करना चाहिए था वहां सबमिट नहीं किया, 10,000 फॉर ईच सच डिफॉल्ट के लिए पेनल्टी लगेगी। फिर हम आए थे 139AA, आ से आधार, याद आ रहा है आपको। यस, आफ्टर 1 जुलाई 2017 आप कोई भी रिटर्न सबमिट कर रहे हैं या पैन एप्लीकेशन कर रहे हैं, आपके पास आधार होना जरूरी है। यस, आपके पास आधार होना जरूरी है। मान लो मेरे पास आधार नहीं है तो मैं क्या करूंगा,
एनरोलमेंट आईडी दूंगा। अगर मैंने आधार और पैन को लिंक नहीं किया तो मेरे आधार के साथ क्या, मेरा पैन क्या हो जाएगा? इनऑपरेटिव हो जाएगा। हालांकि ये सेक्शन चार लोगों पे एप्लीकेबल नहीं था। कौन कौन से चार लोग? एनआर 80 इयर्स और अबव, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, रिसाइडिंग इन आसाम, मेघालय, जम्मू कश्मीर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, राइट। यहां से हम समझ गए थे कि भैया रिटर्न भरने से पहले की दो रिक्वायरमेंट है। यहां से हम गए थे क्या करने के लिए बेटा, ये समझने के लिए कि रिटर्न भरने के कई तरीके होते हैं। इनमें से एक तरीका था, आपको याद होगा तो, बल्क रिटर्न, वन ऑफ द मोड और फैसिलिटी ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। क्या ये पूरे इंडिया के अंदर में लॉन्च किया गया था? ओनली 16 सिटीज के अंदर में लॉन्च किया गया था। ये वही एम्प्लॉयर के लिए एप्लीकेबल था जिस एम्प्लॉयर के पास 50 से ज्यादा एम्प्लॉई हो। यस, इस केस में एम्प्लॉई को अपनी डिटेल किसको देनी होती थी? एम्प्लॉयर को। एंड वेदर एम्प्लॉयर नीड्स टू फाइल रिटर्न, यस, फेल्ड या पास स्कीम, फेल्ड स्कीम। इसके बाद में 139B, बकवास स्कीम ऑफ फाइलिंग रिटर्न, याद है ना तुम्हें? हाँ, ये स्कीम तो तुम्हें जरूर याद होगी, बिल्कुल याद होगी। अच्छा बताइए, व्हाट आर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टीआरपी? टीआरपी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या था, बोलो जल्दी से। सबसे पहले वो क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट, या फिर क्लियर होना चाहिए इंटरमीडिएट एग्जाम ऑफ सीए, सीएस, सीएमए, याद है तुम्हें? यस। अच्छा जी, इसके बाद एक और बात बताओ, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट टीआरपी का रोल प्ले कर सकता है? नहीं। क्या लीगल प्रैक्टिशनर टीआरपी का रोल प्ले कर सकता है? लीगल प्रैक्टिशनर रे नालायक, नो। एंड तीसरा, अगर स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन है तो भी आप टीआरपी का रोल प्ले नहीं कर सकते। क्या ये क्लियर है मालिक? अच्छा जी, इसके बाद हम लोग गए थे, कुछ लोगों को एग्जम्पशन मिल सकता है फ्रॉम फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। पावर किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी को क्या कर रखा है? एग्जम्प्ट कर रखा है, जिनको इनकम आ रही होगी कहां से? इन्वेस्टमेंट फंड। इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है? फ्यूचर का एक टॉपिक है, अभी सिर्फ हमने वर्ड पढ़ लिया। इन्वेस्टमेंट फंड कहां सिचुएटेड होना चाहिए? आईएफएससी में। और अगर इसका टीडीएस कट हुआ है तो फिर इसको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। यस, अच्छा जी सर, यहां से हम गए थे इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर। सेक्शन का नाम था 139, हु नीड्स टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। इसको हमने पढ़ लिया था, लिखा नहीं था, इंपॉर्टेंट है तो हम डेफिनेटली लिखेंगे, बट ठीक है। सबसे पहले, क्या कंपनी और फर्म को मैंडेटरीली रिटर्न भरना है? हाँ या ना? चलिए, कंपनी लॉस में है, अब भी रिटर्न भरना है? एलएलपी को भी रिटर्न भरना है? लिक्विडेशन में है कंपनी? कंपनी डिफंक्ट कंपनी है? बिल्कुल, कंपनी है तो रिटर्न भरना है, गेम ओवर, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी अदर पर्सन है, अदर देन इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी, अगर इसकी इनकम इतने से एक्सीड कर रही है तो रिटर्न भरना है। जल्दी बताओ, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 250,000 मत बोलो, क्योंकि अदर एसएससीज के लिए वो लिमिट बढ़ सकते हैं, इसलिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज द राइट वर्ड। तीसरा, अ पर्सन हु इज आरओआर, इस पे हमने कल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था। अ पर्सन हु इज आरओआर हैविंग टू थिंग्स आउटसाइड इंडिया, असेट और फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल असेट आउटसाइड इंडिया, इधर एज अ बेनिफिशियरी और एज अ बेनिफिशियल ओनर, याद आ रहा है मालिक आपको? इसके बाद हमने देखा था इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी को रिटर्न भरना है इफ देयर इनकम बिफोर डिडक्शन और एग्जम्पशन सीरीज अंडर 54। यस, इसमें पूरी 54 की सीरीज में एक सेक्शन गायब है जो पर्पजली गायब किया हुआ है, या क्या गायब किया गया है पता नहीं। कौन सा बेटा? 54EE, अगर एक्सीड करता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से तो। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था, कुछ और लोगों को रिटर्न भरना है। अगर आप डिपॉजिट करते हैं अपने करंट अकाउंट में विद अ बैंक और कोऑपरेटिव, और ये कितने से एक्सीड करता है बेटा? 1 करोड़। या आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के ऊपर कितने से ज्यादा खर्चा करते हैं? 1 लाख। या आप फॉरेन ट्रेवल के ऊपर खुद के लिए या किसी और के लिए खर्चा करते हैं कितने से ज्यादा? 2 लाख, तो आपको रिटर्न भरना है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था 139(4)A, अ चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम अगर बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर 11 एंड 12 कितने से एक्सीड करती है? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। फिर 139(4)B, बी फॉर भाजपा, अ पॉलिटिकल पार्टी, याद आ रहा है? सो पॉलिटिकल पार्टी को भी इनकम एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 13A।
अगर इनकी इनकम भी एग्जम्पशन से पहले एक्सीड करती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, तो इन्हें क्या करना है, रिटर्न भरना है। 139(4)(c) इसमें बहुत सारे एसोसिएशन आते हैं जो अपनी इनकम को क्या करते हैं, एग्जम्प्ट करते हैं अंडर सेक्शन 10। अगर ये एग्जम्पशन क्लेम करने से पहले इन एसोसिएशन के इनकम एक्सीड करते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, तो इन्हें रिटर्न सबमिट करना है। 139(4)(d) द यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड अदर विच आर कवर्ड इन सेक्शन 35, इन्हें रिटर्न भरना है, एक्सीड कर रहा हो नहीं कर रहा हो इररिलेवेंट, 35 में जो कवर है उनके लिए। 139(4)(e) and (4)(f) जो एसएससी बिजनेस ट्रस्ट है या जो एसएससी इन्वेस्टमेंट फंड है, इन्हें मैंडेटरीली रिटर्न भरना ही है, इनकम हो या लॉस, इससे कोई लेन देन नहीं है। यस मालिक, इतनी चीज हमने पढ़ी थी और यहां हम रुक गए थे, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया था रादर अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। पर यह प्रोविजन भी लिखना जरूरी है, प्लीज मैं चाहता हूं आप मेरे साथ आए और इस प्रोविजन को लिखे। मैं कंप्यूटर स्क्रीन को सामने कर रहा हूं, सेक्शन 139 मैंडेटरी टू फाइल ROI, असेसी नीड टू फाइल ROI having income or loss, company, firm, LLP, university, college, institute covered under section 35 बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड, सेक्शन 139(4)(c) (4)(e)(4)(f) आपको नहीं लगता ये तीन लोग वो थे जिनको इनकम हो या ना हो इनको रिटर्न भरना ही है? इसमें एक और जन था, बताओ कौन? ROR हैविंग असेट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल असेट्स और साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया, आइदर एज अ बेनिफिशियरी और बेनिफिशियल ओनर। ये चार केस ऐसे हैं जहां पे इनकम हो या लॉस हो, डजंट मैटर, इनको रिटर्न भरना ही भरना है। पॉइंट नंबर 5, और भी जन है इसमें, सोचो सोचो, क्रैकडाउन करो, चार्ट में क्रैकडाउन करो और बताओ उस लिस्ट में से यहां पे और कौन आ सकता है जिसकी इनकम या लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डिपॉजिट, फॉरेन ट्रैवल, वो वाले, उनको भी इनकम या लॉस का क्राइटेरिया किधर है? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। उनको भी इनकम या लॉस का क्राइटेरिया किधर है? यस,
फॉलोइंग पर्सन इफ डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट दैट इज करंट अकाउंट मेंटेन्ड विथ वन बैंक एक्सीड रुपीज 1 करोड़ इन एग्रीगेट एवरीबॉडी बी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सीड बोलो बेटा 1 लाख पर एनम सी एक्सपेंसेस फॉर ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री एक्सीड ₹2 लाख पर एनम फॉर हिमसेल्फ और अदर पर्सन डी एनी अदर पर्सन सो नोटिफाइड. आप देखिए ये सारे केसेस के अंदर में इनकम या लॉस से कोई लेन देन ही नहीं है. हमने लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या किया, ऐसे लोगों का रिटर्न फाइलिंग का प्रोविजन रखा जिन लोगों का इनकम या लॉस से कोई लेन देन ही नहीं है. डन है. आ जाऊं दूसरे पार्ट पे. अदर्स सिचुएशन नंबर 1 इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP needs to file ROI if income before deduction under chapter 6A and exemption under section 54, 54B, 54EC, 54D, 54F, 54G, 54GA, 54GB exceed basic exemption limit. Second, other person other than individual HUF, AOP, BOI, AJP, if income exceed, बोलो बेटा
बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, थर्ड अ चैरिटेबल ट्रस्ट क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12 इफ इनकम बिफोर एग्जम्पशन एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. हियर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वुड मीन 2,50,000. यहां सीनियर सिटीजन का कोई लॉजिक नहीं है, दैट इज अ कॉमन सेंस. कौन सा सेक्शन था बेटा? 139(4A), करेक्ट. अ पॉलिटिकल पार्टी क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 13A इफ इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन. और कोई बच रहा है? और कोई बच रहा है? सच फंड ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन क्लेमिंग एग्जम्पशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 10 इफ इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. डन. थोड़ा सा इलेबरेट करिए ना. मतलब मान लीजिए मैं एक इंस्टीट्यूशन हूँ जिसको आप अगर डोनेशन दे तो आपको डिडक्शन मिलेगा 35 में, बराबर. अब बताइए. आपको समझा क्वेश्चन? मतलब मेरे को क्लियर नहीं हुआ अभी तक क्वेश्चन. करेक्ट. देखिए मेरे भाई का एक डाउट है, शायद मैं कुछ कुछ समझा हूँ, मैं आपको बता दूँ.
अभी तक उनने क्लियर नहीं किया। ये है मेरा भाई, राइट। ये भाई अब क्या करता है, एक इंस्टीट्यूट को डोनेशन देता है। अगर ये इंस्टीट्यूट को डोनेशन देता है तो ही गेट्स पीजीबीपी का डिडक्शन अंडर सेक्शन 35। कितना परसेंट? 100%। एक जमाना था जब 120 150 होता था, ये 100 हो चुका है 2021 से, ठीक है। अच्छा, अब फॉर द पर्पस ऑफ द पर्सन हु विश टू गेट डिडक्शन, ये इंस्टीट्यूट को अपने आप को क्या करवाना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फॉर द पर्पस ऑफ एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 35। क्योंकि ध्यान से सुनिए, एक जो इंस्टीट्यूट होता है, वैसे ये आगे की बात है, सपोज कर लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन अगर रिसर्च कर रहा है ना, तो ही गोज टू सीआईटी एंड गेट रजिस्ट्रेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 35। अगर वो रिसर्च में है तो, मान लीजिए यही इंस्टीट्यूशन रिसर्च में ना हो करके, राइट, चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर में है, चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर में है, तो ऐसे केस में अगेन ही विल गो टू सीआईटी, बट यहां पे जो रजिस्ट्रेशन होगा, राइट, दिस विल बी अंडर सेक्शन 12A और 12AB। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब ऐसे वाले केस में ही हैज टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। इसका इसकी इनकम या लॉस से कोई लेन देन नहीं है, बट इस वाले केस में आरओआई तभी भरना है जब 139(4)A की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आई होप यू गॉट द लॉजिक। यस, क्लैरिटी आ गई मैं जो बोल रहा था? ओके, मैं वापस समझाता हूं, प्लीज एक बार सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और फंड, राइट, प्रैक्टिकली अब तक ऐसा होता था कि तीन सेक्शन में रजिस्टर हो पाते थे, राइट। वापस से सुनिए, पूरा बेसिक क्लियर कर देता हूं मैं। सपोज कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई कॉलेज है, कोई फंड है, ये तीन तरीके से अपने को रजिस्टर कर पाते थे 2021 तक के। तीन रूट थे 2021 तक के। जब आप मेरे साथ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के चैप्टर में चलेंगे, मॉड्यूल 2 में आपका ये चैप्टर है, तो उसके अंदर में मैं वापस आपको एक क्लैरिटी दूंगा। सपोज कर लीजिए इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी तरीके का फंड, ये चारों वर्ड एक साथ ही रीड करते हैं हम लोग, ठीक है। ये तीन पर्पस के लिए हो सकते हैं। पहला पर्पस इनका कि ये रिसर्च में होंगे, दूसरा पर्पस इनका कि ये चैरिटेबल एक्टिविटी में होंगे। चैरिटेबल एक्टिविटी मतलब क्या क्या आती है, ये भी डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन सेक्शन 2 के अंदर में, ये भी डिफाइंड है। इसके बाद तीसरा हो सकता है ये फंड, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन जो होंगे, ये एडुकेशन पर्पस के लिए होंगे। इन तीनों को क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाना सीआईटी के पास होगा। दैट इज सीआईटी, दैट इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इज द ओनली अथॉरिटी जो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को क्या करेगा, रजिस्टर करेगा, बराबर। अब तीनों के पर्पस एक हुए या तीनों के पर्पस अलग अलग हो गए? अलग अलग हो गए, ठीक है। टिल 2021 ऐसा होता था कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो रिसर्च के अंदर में है, कॉलेज जो रिसर्च के अंदर में है, एटसेट्रा, यूनिवर्सिटी जो रिसर्च कर रही है, इनको सीआईटी के पास सेक्शन 35 का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। सेक्शन 35 का रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता था, एनी पर्सन हु इज गिविंग द डोनेशन विल गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 35। अब ऐसे केस में इस इंस्टीट्यूशन को क्या करना है, रिटर्न भरना है, चाहे इनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर हो या ना हो। ये कहां कवर हो गए? 139(4)D में कवर हो गए। यानी 139(4)D वो वाले इंस्टीट्यूशंस को लेता है जो किसके अंदर में रजिस्टर हो रहे हैं, सेक्शन 35। ऐसे इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, फंड, कॉलेज जो चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे थे, चैरिटेबल एक्टिविटी भी डिफाइंड है, उसको हम अलग से देखेंगे। सपोज अगर ये चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे थे, अगेन इनको सीआईटी के पास जाना पड़ता था। रजिस्ट्रेशन जो अब इनका होता था वो होता था 12A या 12AB के अंदर में, राइट। अब ऐसे इंस्टीट्यूशन जो है जो 12A 12AB के अंदर में रजिस्टर हो रहे हैं, दे क्लेम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12। दे क्लेम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12। अब इनको 4D ना लग के क्या एप्लीकेबल होता है, 4A। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तीसरा सिचुएशन, फंड, इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन जो होता है जो एडुकेशन पर्पस के लिए है, अगेन ये सीआईटी के पास जाता है, राइट। इनको कहां होता था, इनका जो रजिस्ट्रेशन होता था, इनका जो रजिस्ट्रेशन होता था, ये रजिस्ट्रेशन होता था सेक्शन 1023(c) के अंदर में। ये रजिस्ट्रेशन कहां होता था, सेक्शन 1023(c) के अंदर में रजिस्ट्रेशन होता था। और ऐसे केसेस के अंदर में इनका रिटर्न ऑफ इनकम कहां जाता था, आपको पता है, 139(4)C। चेक करिए, यानी तीनों जगह पे आप फंड, इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन वर्ड को पढ़ोगे,
जब आप इन सेक्शन को पढ़ोगे, तीनों जगह फंड, इंस्टीट्यूशन और एटसेट्रा को पढ़ोगे, लेकिन ये पर्पस क्या है इनका, इसके बेसिस पे इनका रिटर्न फाइलिंग का जो ऑब्लिगेशन था ये चेंज हो जाता है, इनका जो रिटर्न फाइलिंग ऑब्लिगेशन है ये चेंज हो जाता है। हालांकि ये डिस्कशन यहां का नहीं है, ये डिस्कशन चैरिटेबल का है, और आई न्यू कि ये चैरिटेबल में आता है, बट स्टिल किसी के मन में आया है तो ये आ सकता है। कम ऑन, मेरे को एक बार क्लैरिटी दे दीजिए वापस से। फंड, किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन, किसी भी तरह का फंड, किसी भी तरीके का कॉलेज या किसी भी तरीके की यूनिवर्सिटी, ठीक है, इनका क्या पर्पज है? इनका पर्पज अगर एजुकेशन है, राइट, रजिस्ट्रेशन की अथॉरिटी एक ही है, CIT। रजिस्ट्रेशन कौन से सेक्शन में होगा ये बदल जाता है। अगर एजुकेशन इज द पर्पज, 1023C वॉज द सेक्शन, 2021 के बाद इधर यहां रजिस्टर होता है या इधर यहां रजिस्टर होता है, दोनों में से एक जगह रजिस्ट्रेशन होता है, बट ये बहुत प्रीमेच्योर डिस्कशन हो जाएगा, ये डिस्कशन का पार्ट अभी नहीं है। तो बस मान के चलो एजुकेशन हैज टू बी रजिस्टर्ड अंडर 1023C। अब 1023C में जो रजिस्टर्ड है, प्लीज अपने नोट्स जाकर के देखिए, जो 1023C के अंदर में रजिस्टर्ड है, दे नीड्स टू फाइल रिटर्न। ये देखिए, जो 1023C के अंदर में रजिस्टर्ड है, दे नीड टू फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 1394C। गेटिंग इट? अब 1394C क्या कहता है, इस एग्जम्पशन को क्लेम करने से पहले अगर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, दूसरी क्लैरिटी, यही अगर यू नो फंड, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ट्रस्ट, यू नो चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा है, फॉर दैट मैटर रिलीजियस एक्टिविटी कर रहा है, तो ऐसे केसेस के अंदर में इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है ये 12A, 12AB के अंदर में होता है, और जो 12AB के अंदर में आ रहा है, दे क्लेम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 and 12। इन दैट पर्टिकुलर केस दे नीड टू रजिस्टर अंडर, दे नीड टू फाइल रिटर्न अंडर 1394A। 1394A चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, जो क्या क्लेम करते हैं, 11 and 12। इनको रिटर्न तब भरना है जब इनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर चले जाए, राइट? यानी हो गए ये दो ऐसे सिचुएशन हो गए जहां पर रिटर्न तभी भरना है व्हेन इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्रायर टू क्लेमिंग एग्जम्पशन। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन कोई रिसर्च के अंदर में एंगेज है, इनका रजिस्ट्रेशन जो होता है ये सेक्शन 35 के डिडक्शन के लिए होता है। काइंड ऑफ इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है ये 12A के अंदर में ही आता है, लेकिन वहां पे आपको कॉलम रहते हैं, आप रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हैं या यू नो रिसर्च एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो ऑप्शन के तहत आपका क्या आता है, जो सर्टिफिकेट आता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो डिफर हो जाता है। ऐसे केस में ऐसे इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन जो होता है 1394D के अंदर में होता है। यस, इनका जो रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस है ये 1394D में शिफ्ट हो जाता है। सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ऐसे केस में एक और सवाल पूछा गया, मान लीजिए अगर इंस्टीट्यूशन और फंड ने अपने आप को रजिस्टर ही नहीं किया तो जो डोनेशन दे रहा है उसको डिडक्शन मिलेगा क्या? आंसर इज नो, नहीं मिलेगा। ये चीज हम सेक्शन 35 ऑफ PGBP के अंदर में पढ़ेंगे, बिकॉज जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, हम ऐसे एसोसिएशन को अनअप्रूव्ड एसोसिएशन कहते हैं, और अनअप्रूव्ड एसोसिएशन के लिए कोई डिडक्शन नहीं मिलता, अनअप्रूव्ड एसोसिएशन के लिए कोई डिडक्शन नहीं मिलता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्टिल आपको नहीं लगता ये बना लेना चाहिए, अभी बना लीजिए, जब चैरिटेबल में जाएंगे फिर एक और बार डिस्कस करेंगे, ठीक है।
एक सवाल मेरे से पूछा गया, सवाल ये है पैन से रिलेटेड कि सर मान लीजिए यू नो सेल्स एक्सीड 5 लाख के केस में जनरली हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है, पैन अप्लाई करना पड़ता है, पर अगर मुझे 31 मार्च को ही पता चल रहा है कि सर यू नो मेरा सेल्स 5 लाख से एक्सीड होने वाला है, तो पॉइंट बी नोटेड, पैन एप्लीकेशन इज ऑनलाइन, कितना ही मिनट लगेगा, यस और नो, कितना ही मिनट लगेगा? और उसके बाद भी अगर मान लीजिए रात आप बियर बार का बिजनेस कर रहे हैं और आपको रात 12 बजे सेल्स आ रहा है, सपोज करके चलते किसी बर्थडे की पार्टी थी, अचानक से आकर के उसने एक बल्क स्टॉक उठा लिया, राइट, आपको एंड में पता चल रहा है, तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे के अंदर में क्या कर दीजिए, रजिस्टर कर दीजिए। जनरली ऐसा होता है कि वो लोग इसमें इशू नहीं क्रिएट करते क्योंकि हार्डली उनको पेनल्टी या फीस के नाम पे क्या ही मिलना है, जनरली नहीं क्रिएट करते। अगर कर भी दिया तो बस आपको यू नो एक ड्राफ्ट बनाना है, एक लेटर ड्राफ्ट बनाना है और एओ को देना है, सर दिस वाज द सिचुएशन, यू कैन चेक द सेल इज रजिस्टर्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, आई वॉज नॉट हैविंग एनी ऑप्शन टू रजिस्टर माई पैन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, सो रिक्वेस्ट यू टू काइंडली यू नो वेव ऑफ द फीस और इंटरेस्ट वट एवर यू आर लेविड एंड ग्रांट मी एग्जम्पशन फ्रॉम दैट लेवी, खत्म हो गया काम, तो इससे भी काम हो जाता है। कम ऑन, देखिए एज आई सेड इनकम टैक्स ऑफिसर इज नॉट अ टैक्स गैदरर, इज नॉट मियरली अ टैक्स गैदरर, यस, इफ यू शो हिम द जेन्युइन कंसर्न दैट सर दिस वॉज द जेन्युइन कंसर्न, दे विल डेफिनेटली यू नो कंसिडर द सेम एंड अलाउ यू द बेनिफिट, तो ये होता है। ये लिख लिया सबने, क्लैरिटी आई मालिक सबको पक्के में, चलो जी। जितने लोग ऑनलाइन है भैया, हलचल नहीं आ रही आप लोग की तरफ से अभी तक के, चलिए इसमें सब कुछ कवर हो गया क्या मालिक, देख लो एक बार, एवरी पॉइंट इज कवर्ड और नॉट चेक कर लो एक बार, एवरी पॉइंट इज कवर्ड, यस और नो चेक कर लो एक बार, डन है बेटा, चलो जी। डन, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, ये वो सेक्शन है जिसको आधी रात में भी अगर कोई उठा करके पूछे तो याद होना चाहिए। मैं वही बंदा हूं जो आपसे कहता है सेक्शन नंबर याद नहीं होना चाहिए, बट मैं आपसे यह भी कहता हूं कि कुछ सेक्शन में आपको क्लियर कट बोलूंगा कि ये सेक्शन आधी रात को भी कोई उठा के पूछे तो याद होना चाहिए। दिस इज वन सच सेक्शन, सेक्शन 139(1), ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। करीब करीब 128 जगह आगे इसका रेफरेंस आएगा, पूरे इनकम टैक्स में करीब 128 जगह इसका रेफरेंस आएगा, सो इट्स बेटर कि आप इस सेक्शन को बिल्कुल याद रख ले। जब भी आपसे पूछे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तो 139(1) आपको दिमाग में होना चाहिए, सेक्शन भी छोटा है तो सेक्शन भी पूरा का पूरा याद होना चाहिए। क्लियर है मालिक? अच्छा, रिटर्न भरने की ड्यू डेट क्या है? थियोरेटिकली इस सेक्शन को बड़ा सीरियसली लीजिएगा, प्रैक्टिकली इस सेक्शन का सीरियसनेस बिल्कुल नहीं आता। रीजन बिंग, जब भी ये ड्यू डेट होती है हर साल यही होता है कि नोटिफिकेशन आता है ड्यू डेट आगे बढ़ जाती है, एम आई करेक्ट? यस, क्योंकि होता ये है, हम क्लाइंट को फोन करते हैं सर डेटा दे दीजिए रिटर्न भरना है, डेटा दे दीजिए रिटर्न भरना है, डेटा दे दीजिए रिटर्न भरना है, और भाई को लास्ट जुलाई के रात 8:30 बजे याद आएगा भाई ना रिटर्न भरना है, यस, उसको एंड में याद आता और तब तक के सारा मैटर हो चुका होता है। हालांकि फिर भी ऑफिस का एक जनरल प्रैक्टिस होता है, किसी को पेनल्टी या फीस लगने नहीं देते। कैसे नहीं लगने देते? पिछले साल का रिटर्न उठाओ, 15% ऐड करो और ठोक दो, होता है, ये जनरल प्रैक्टिस है, हर ऑफिस करता है, ताकि एटलीस्ट हमारा क्लाइंट कैसे बच जाए, पेनल्टी से बच जाए। अच्छा, कई बार तो ऐसा होता है नए क्लाइंट आते हैं तो अपने जो ऑफिस के बॉस होते हैं वो उसको सर्विस देने में भिड़ जाते, तो पुराने वाले जो रहते हैं उनको बोल देते काम का ठोक दे, बाद में रिवाइज कर देंगे। सो रिवाइज रिटर्न बनाया ही इसलिए गया है, रिवाइज रिटर्न बनाया इसलिए गया है, एक सुविधा है साहब, एक्चुअली बना पर्पस कुछ और था लॉ का, बना उसको कुछ और दिया गया, गलत बोल रहा हूं साहब, आपने भी ऑफिसेज में काम किया है एंड वी ऑल न्यू सभी ऑफिसेज में यही काम होता है, राइट? तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न डिपेंड करता है असेसी कौन है, आर यू असेसी अ कंपनी और अदर देन कंपनी, तो इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंपनी और अदर देन कंपनी, ठीक है? अदर देन कंपनी पहले कंसिडर कर लेते हैं, अदर देन कंपनी में दो ही ड्यू डेट है, अदर देन कंपनी में कितनी ड्यू डेट है मालिक? दो। पहला, इफ यू आर नॉट कवर्ड इन टैक्स ऑडिट, कम ऑन, इफ यू आर नॉट कवर्ड इन टैक्स ऑडिट द ड्यू डेट इज 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर,
Yes, 31st July of the assessment year, income of previous year is taxable in assessment year. तो assessment year के 31st July तक के आप क्या करेंगे? Return भरेंगे, right? अगर आप tax audit में cover हो रहे हैं, that is 44 AB की limits के अंदर में आप cover हो रहे हैं, then the due date for filing return is, बोलो, 31st October. एक समय था, ये September हुआ करता था, लेकिन डेट को 2021 में ही चेंज करके क्या कर दिया गया, 31st October, क्योंकि हर साल ये होता था कि सितंबर तक ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता था कि आप फाइनलाइज कर दो. सो इसको 31st October कर दिया गया. सरप्राइज की बात ये है, ये 31st October भी हर बार क्या होता है, एक्सटेंड होता है, एटलीस्ट 15 दिन से तो एक्सटेंड हो ही जाता. सो अदर देन कंपनी देर आर ओनली टू रूट. एवरीबॉडी जल्दी से बताइए दोनों रूट कौन से. एक, अगर आप टैक्स ऑडिट में कवर है तो जुलाई, अगर आप टैक्स ऑडिट के अंदर में कवर नहीं है तो 31st October. क्लियर है? अगर आप, हाँ बिल्कुल सही, मैंने उल्टा बोल दिया. अगर आप टैक्स ऑडिट के अंदर में कवर नहीं है तो 31st जुलाई, टैक्स ऑडिट में कवर है तो 31st October. चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी एज असेसी की. अगर हम कंपनी एज असेसी की बात करें तो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर क्या ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रोविजन एप्लीकेबल है या नहीं है. मान लीजिए अगर कंपनी के ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग, सर ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, इंटरनेशनल टैक्स का सबसे बड़ा टॉपिक ही यही है, ट्रांसफर प्राइसिंग. यस, देयर इज अ कांसेप्ट क्या होता है, बस एक ब्रीफ दे देता हूं. जब भी आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कैरी आउट करते हैं तो एओ ये चेक करता है द ट्रांजैक्शन इज कैरीड आउट एट आर्म्स लेंथ प्राइस और नॉट. इन शॉर्ट एओ ये चेक करता है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो आप कर रहे हैं ये फेयर मार्केट वैल्यू पे है या नहीं, और अगर ये फेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं है सो ही कंप्यूट द ट्रांसफर प्राइस, और उस बेसिस पे आपको फिर क्या करना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर कंपनीज के ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल है तो एक महीने से टाइम लिमिट को क्या किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है, और ऐसे केसेस के अंदर में आपका जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है वो बन जाता है 30th of November, मतलब अक्टूबर से एक महीना आगे. सपोज कर लीजिए अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग वाले केस में नहीं आते तो हर कंपनी को मैंडेटरीली ऑडिट तो करवाना ही पड़ता है. Yes, यहां का रिक्वायरमेंट हो ना हो पर कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट तो है ही ऑडिट का, वो तो करवाना ही पड़ेगा. ऐसे केस में कंपनीज के लिए ड्यू डेट बन जाता है 31st October ऑफ द असेसमेंट ईयर. सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग देर आर 3 ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम. देर आर 3 ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न. ये टीडीएस की ड्यू डेट नहीं है, टीडीएस के रिटर्न की ड्यू डेट नहीं है, ये किसकी ड्यू डेट है, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है. रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 3 है. पहला 31st जुलाई. यस, मान के चलिए भारत का 60% जो पूरा का पूरा आपको दिखता है असेसी, 31st जुलाई इज द डेट, राइट. जो लोग टैक्स ऑडिट्स के अंदर में कवर हो रहे हैं वो कहां आते हैं, 31st अक्टूबर. यस, अगर फर्म, ध्यान से सुनिएगा ये पॉइंट, अगर फर्म टैक्स ऑडिट में कवर है तो फर्म के पार्टनर्स की भी ड्यू डेट क्या बन जाती है, 31st अक्टूबर. रीजन बिंग, जब तक के फर्म का प्रॉफिट फाइनलाइज नहीं होता पार्टनर्स का प्रॉफिट फाइनलाइज नहीं हो पाता. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. यस, सो अगर फर्म टैक्स ऑडिट के अंदर में कवर है तो पार्टनर का ड्यू डेट भी क्या बन जाता है, 31st अक्टूबर. ऐसे केस में उसका इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है, पार्टनर इज कवर्ड इन टैक्स ऑडिट और नॉट, उससे कोई लेन देन नहीं है, ठीक है. अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन में कवर हो रहे हैं तो ऐसे केस में आपका जो ड्यू डेट बनता है वो कौन सा बनता है, बोलो, 30th नवंबर. क्लियर है मालिक? अच्छा जी, अब पिछले साल इसके अंदर में एक अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट बहुत लॉजिकल था, पहले समझना, ठीक है. इंडिया में दो ऐसी जगह है जहां पे पोर्टुगीज सिविल लॉ एप्लीकेबल है. इंडिया में दो ऐसी जगह है जहां पे पोर्टुगीज सिविल लॉ एप्लीकेबल है. ये पोर्टुगीज सिविल लॉ क्या होता है, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली एंड गोवा. यहां पे अगर आपको पता हो या नहीं पता हो, यहां पे पोर्टुगीज एक टाइम पे इंडिया में रहा करते थे और आज भी उनके कई वंशज यहां पे रहते हैं, और इनको इंडिया में पोर्टुगीज सिविल लॉ एप्लीकेबल होता है जिनमें उनको कुछ स्पेशल राइट्स और बेनिफिट्स दिए गए हैं, बराबर है. अब पोर्टुगीज सिविल लॉ किस तरह से वर्क करता है मैं आपको बताता हूं. पोर्टुगीज सिविल लॉ एक बहुत ही जबरदस्त लॉ है जहां पे मेन एंड वुमेन्स को इक्वल राइट्स दिए गए हैं. सैलरी इनकम को छोड़ करके जो भी इनकम आती है इनकम टैक्स पर्पस के, उनकी इनकम को इक्वली डिवाइड किया जाता है. कमन, वापस से सुनिए इस पॉइंट को. पोर्टुगीज सिविल लॉ के हिसाब से हस्बैंड एंड वाइफ की इनकम को इक्वली डिवाइड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ ने, दोनों ने मिलकर के 3.5 लाख रुपए कमाए या लेट्स से 4 लाख रुपए कमाए इन एनी प्रपोर्शन, राइट, अदर देन सैलरी इनकम, तो ये इनकम हस्बैंड और वाइफ में क्या की जाएगी, इनकम टैक्स पर्पस से इक्वली डिवाइड की जाएगी. ये इनकम टैक्स पर्पस से क्या किया जाएगा, इक्वली डिवाइड किया जाएगा. क्या आप जानते थे ऐसा कोई लॉ है इंडिया में? नहीं.
ऐसा लॉ है इंडिया में। हालांकि ये लॉ के एप्लीकेबिलिटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे है, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, यस, यहाँ पे ये लॉ की एप्लीकेबिलिटी ज्यादा वर्क करती है। अब ऐसे केस में एक इशू अराइज हो रहा था, पहले यहाँ तक का लॉ वापस बताइए, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, ऐसे केस में एक लॉ एप्लीकेबल है वहां के रहने वाले कई लोगों पे, पोर्टुगीज सिविल लॉ। क्या बोलता है ये लॉ? ये लॉ बोलता है सैलरी इनकम को छोड़ करके वॉट एवर इज द इनकम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ दैट विल बी इक्वली डिवाइडेड। क्लियर है? इनकम टैक्स पर्पस के लिए। यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं हस्बैंड की इनकम जब तक डिटरमाइन नहीं हो सकती वाइफ की नहीं हो सकती, वाइफ की जब तक ना हो जाए हस्बैंड की डिटरमाइन नहीं हो सकती। डू यू अग्री विद दिस पॉइंट? चलिए यहां तक का क्लैरिटी आ गया। अब इस लॉ के हिसाब से जब तक हस्बैंड की इनकम डिटरमाइन नहीं हो जाए वाइफ की आप नहीं निकाल सकते, वाइफ की ना हो जाए हस्बैंड की इनकम डिटरमाइन नहीं हो सकती। अब सपोज करके चलिए, हस्बैंड इज अ पार्टनर इन अ फर्म। अब सोचिए यहां पे तीन इंटरडिपेंडेंसी आ गई, जब तक फर्म की इनकम नहीं आ जाती तब तक पार्टनर की नहीं हो सकती, और पार्टनर की जब तक नहीं हो जाती तब तक के उसके स्पाउस की नहीं हो सकती इफ दे आर कवर्ड इन पोर्टुगीज सिविल लॉ। डू यू अग्री? अदर देन पर्सन कवर्ड इन पोर्टुगीज सिविल लॉ का कोई लेन देन नहीं है यहां पे। दो सिचुएशन, विजय पोर्टुगीज सिविल लॉ के अंदर में कवर्ड नहीं होता। अब ध्यान से समझिएगा, फर्म की ड्यू डेट विजय के, विजय इज ऑल्सो इन प्रैक्टिस, फर्म की ड्यू डेट अगर अक्टूबर है, विजय की ड्यू डेट भी क्या होगा? अक्टूबर। विजय की वाइफ पल्लवी का ड्यू डेट अक्टूबर भी हो सकता है, जुलाई भी हो सकता है। डू यू अग्री? डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम ऑफ इनकम शी अर्न्स। क्लियर है मालिक? क्लियर है, हाँ या ना? सिचुएशन टू, विजय इज कवर्ड इन पोर्टुगीज सिविल लॉ। इफ विजय इज कवर्ड इन पोर्टुगीज सिविल लॉ एंड सपोज द फर्म इज लाइबल टू टैक्स ऑडिट। नाउ अनलेस एंड अंटिल फर्म इज लाइबल टू टैक्स ऑडिट, पार्टनर की, पार्टनर का भी रिटर्न डेट वही बनेगा। अब फर्म टैक्स ऑडिट में कवर है तो फर्म की ड्यू डेट क्या बन गई? 31 अक्टूबर। अब पार्टनर दैट इज विजय की ड्यू डेट क्या बन गई? 31 अक्टूबर। नाउ विजय इज कवर्ड इन पोर्टुगीज सिविल लॉ, तो वाइफ की ड्यू डेट क्या बन गई? जुलाई या मैंडेटरीली अक्टूबर? मैंडेटरीली अक्टूबर। अब इश्यू ये ही हो रहा था, सर्टन पीपल हु वेर लिविंग इन गोवा, दादरा हवेली, नगर, यू नो, दमन एंड दीव, दे वेर रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट के सर हमारे, क्योंकि इनको पेनल्टी लग जाती थी, पेनल्टी और फीस लग जाती थी। क्यों फीस लग जाती थी? जो स्पाउस होती थी उसको पेनल्टी और फीस लग जाती थी रिटर्न ना भरने की, राइट? और वो जाकर के फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बोलते थे कि सर वी आर कवर्ड इन पोर्टुगीज सिविल लॉ, और पोर्टुगीज सिविल लॉ के हिसाब से जब तक हमारे स्पाउस, मैं हस्बैंड और वाइफ नहीं बोल रहा, स्पाउस बोल रहा, दोनों कवर हो गए, जब तक हमारे स्पाउस का इनकम डिटरमाइन नहीं होता तब तक हमारा इनकम डिटरमाइन नहीं हो सकता। अब ऐसे केस में आप बताइए, जब इनकम ही डिटरमाइन नहीं हुआ मैं रिटर्न भर दूंगी, बाद में जाके इस रिटर्न के बेसिस पे आप असेसमेंट ओपन करोगे, फिर आप मेरे पे पेनल्टी लगाओगे अंडर रिपोर्टिंग, मिस रिपोर्टिंग की, तो मैं तो दोनों तरफ से फंस गया ना सर। आज मैं अपना रिटर्न भर दूं, कल चल के फिर आप मेरे को अश्योर करो आप मेरा रिटर्न नहीं खोलोगे अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग की पेनल्टी पे, ये श्योर कर दो एटलीस्ट। या फिर आज ही मेरे को बोल दो कि भैया हस्बैंड का जो ड्यू डेट रहेगा तेरा भी ड्यू डेट वही हो जाएगा, उसके बाद कोई अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग रहे आई एम रिस्पॉन्सिबल, अदरवाइज आई एम अ टैक्स वुमेन। आप बात समझ रहे हैं? मुझे ये चोरी वोरी करना बिल्कुल पसंद नहीं है, यू नो। हाँ मैं मतलब पति के जेब से भी उससे पूछ के पैसे लेती हूँ। नाउ यू टेल मी ब्रो, इज द लॉ मेड करेक्ट? अब लॉ को 2021 में अमेंड किया गया, कहा गया ऑल दोज पीपल हु आर कवर्ड इन पोर्टुगीज सिविल लॉ उनका ड्यू डेट भी वही रहेगा जो उनके स्पाउस का ड्यू डेट रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम एंड टैक्स ऑडिट कवर्ड हो या ना हो। ये सिर्फ किसके लिए लेकर क्या है? दोज पर्सन हु आर कवर्ड इन पोर्टुगीज सिविल लॉ, सेक्शन 5A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शन 5A ऑफ द इनकम टैक्स है। तो हस्बैंड का जो ड्यू डेट रहेगा वही किसका ड्यू डेट बन जाएगा? स्पाउस का। बस खत्म, इतना ही लॉ, ठीक है? चलिए लॉ को पूरा रिट्रेट करते हैं, राइट? अदर देन कंपनी, मैं टैक्स ऑडिट के अंदर में कवर नहीं हूं, मेरी ड्यू डेट 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर, मैं टैक्स ऑडिट के अंदर में कवर्ड हूं 31 अक्टूबर। मान लीजिए मैं उस फर्म का पार्टनर हूं जो टैक्स ऑडिट के अंदर में कवर्ड है एंड गवर्न करता हूं पोर्टुगीज सिविल लॉ के अंदर में, तो मेरी स्पाउस का ड्यू डेट 31 अक्टूबर। एवरीबॉडी यस ऑर नो? चलिए मैं कंपनी हूं, ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए एप्लीकेबल हूं 30 नवंबर, ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं हूं 31 अक्टूबर। सॉर्टेड है मालिक? चलिए बहुत बढ़िया। प्लीज चेक करें मेरे साथ, यार किसी के पास कोई इलाज है क्या? मतलब एक्चुअली मेरे लेक्चर 10-10, 12-12 घंटे के हो गए,
मेरे गले में पूरे छाले हो गए एक्चुअली। आज तो मेरे को डॉक्टर ने क्लियर कट बोला था कि भैया लेक्चर लेना ही मत, फिर भी मैं लेकर के आ गया। बहुत दर्द कर रहा है, तो किसी के पास कोई घरेलू इलाज हो तो मेरे को जरूर बताना, इंक्लूडिंग ऑनलाइन। हाँ जी, हाँ, तो अगर आप मान लीजिए आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आते हैं जो ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट के लिए लाइबल है, तो अब उनके स्पाउस का भी ड्यू डेट क्या बन जाएगा? 30 नवंबर। चेक कीजिएगा, इफ यू आर लाइबल टू ऑडिट अंडर एनी लॉ, सिचुएशन टू, वेयर असेसी इज पार्टनर इन अ फर्म हुज अकाउंट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर एनी लॉ और स्पाउस ऑफ सच पार्टनर इफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5A अप्लाइज टू सच स्पाउस 31 अक्टूबर, अदर्स के लिए क्या बेटा 31 जुलाई, अदर देन कंपनी, यही अगर कंपनी है, अदर कंपनी विच आर नॉट लाइबल टू टीपी रिपोर्ट 31 अक्टूबर, दोज कंपनी हु आर लाइबल टू टीपी रिपोर्ट, यस इंक्लूडिंग पार्टनर ऑफ सच असेसी, मान लीजिए कोई फर्म है यस, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, इनके कोई पार्टनर है, इनको भी अगर 5A के अंदर में कवर हो रहा है तो इनका भी ड्यू डेट फिर क्या बन जाएगा 30 नवंबर। क्लियर है? इन शॉर्ट, अगर हस्बैंड वाइफ पोर्टुगीज सिविल लॉ के अंदर में कवर हो रहा है, जो ड्यू डेट हस्बैंड का रहेगा वही ड्यू डेट किसका बन जाएगा? वाइफ का। सो अगर पार्टनर जो है राइट, ये इनको भी टीपी एप्लीकेबल है, ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल है, तो ऐसे केस में वाइफ का भी ड्यू डेट फिर अकॉर्डिंगली तभी बनेगा। इफ द फर्म इज लाइबल टू टीपी ऑडिट, द पार्टनर विल स्टिल बी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न बाय 31 अक्टूबर, हाउएवर टोटल इनकम ऑफ पार्टनर कैन ओनली बी डिटरमाइंड आफ्टर द फर्म्स इनकम, हेंस द ड्यू डेट ऑफ पार्टनर टू फाइल द रिटर्न इज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू 30 नवंबर। अब यही अगर पार्टनर टीपी के सॉरी सेक्शन 5A के अंदर में कवर होगा तो वाइफ का भी ड्यू डेट क्या बन जाएगा बेटा 30 नवंबर। समझ में आया बेटा? चलो, सेक्शन 139(1) ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ROI ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ROI अदर देन कंपनी अदर देन कंपनी दो पार्ट बनाओ, लाइबल टू टैक्स ऑडिट October 31 ऑफ द असेसमेंट ईयर, नॉट लाइबल 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। कंपनीज के केस में लाइबल टू टीपी रिपोर्ट 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, अदर्स 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। वो जो 5A वाला पॉइंट है वो स्पेसिफिक है, वो नीचे लिख देंगे। डन है? यहां लिखिए सेक्शन 5A ऑफ इनकम टैक्स, इफ अ पर्सन इज कवर्ड इन पोर्टुगीज सिविल लॉ देन इनकम ऑफ पर्सन
other than salary. Shall be divided equally between husband and spouse. So, if the due date of husband to file ROI is 31st October, considering he is partner in a firm, liable to audit, then due date of filing ROI for spouse shall also be 31st October. Because unless the income of husband is finalized, income of spouse can't be finalized. Done हुआ मालिक? Done है? चलो जी, क्यों ना एक और क्वेश्चन सॉल्व किया जाए. प्रॉब्लम नंबर वन. ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है. द क्वेश्चन ऑल्सो बीन आस्क्ड इन मे 2012. ये मे 2012 में भी पूछा गया क्वेश्चन है. बताइए. स्टेट अलोंग विद द रीजन वेदर रिटर्न ऑफ इनकम इज टू बी फाइल्ड इन द फॉलोइंग केसेस फॉर द असेसमेंट ईयर. बताइए इन चार केसेस में रिटर्न फाइल करने की जरूरत है या नहीं है. चलो बोलो. सिचुएशन नंबर वन. एक्स एन इंडिविजुअल एज 80 ईयर हैज अ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ 6.5 लाख एंड ही इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन 1.6 लाख. मतलब अगर तुम देखा जाए तो 6.5 माइनस 1.6 इसकी टोटल इनकम कम आएगी 5 लाख से नीचे. बट स्टिल विदाउट क्लेमिंग डिडक्शन इज इनकम एक्सीड हिज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऑफ 5 लाख. वेदर ही नीड्स टू फाइल रिटर्न. यस. तो इस केस में तो आ गया यस. दूसरा केस बताइए. दूसरा केस बताइए. अरे लॉस है, पार्टनरशिप फर्म है, लॉस है, रिटर्न भरना है. फिर भी भरना है. इट डजेंट मैटर इनकम हो या लॉस हो, रिटर्न भरना है. थर्ड केस बताइए. क्या
रिटर्न भरना है? यस और नो? यस, बिल्कुल भरना है, सेक्शन 139(4)(d), हाँ, कि 4C। सोचो सोचो सोचो, नहीं याद आ रहा, बुक पलटो, चलो पहले पेज पे, 4C नॉट डी, चेक करो 4C। 4C में 10 की सारी लिस्ट है। यस, 4C के अंदर में 10 की सारी लिस्ट है। आहो, लास्ट बताइए, मिस्टर वाई, एज 45 इयर्स, एन एम्प्लॉय ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड, ड्रॉज अ सैलरी ऑफ 4.9 लाख एंड हैज इनकम फ्रॉम FD 10,000। बताइए कैसे? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो रिटर्न भरने की जरूरत है। चार अलग अलग केसेस और आपको रिटर्न भरना है। प्रॉब्लम नंबर 1, 3.10, आप अपने रजिस्टर का पेज नंबर यहां डाल दीजिए, जो भी रजिस्टर का पेज नंबर इफ एनी अब तक दिया होगा तो वो यहां डाल दीजिए, ताकि आपको लोकेट करने के लिए इजी हो जाए। लिखोगे क्या मेरे को ये बताओ? प्रोविजन मैंने तुमको समझा दिया, जवाब तुमको आता है, लिखोगे क्या? पूरा गेम ही तो लिखने पे। पहले प्रोविजन, प्रोविजन में क्या लिखोगे? मतलब अब मैं चाहता हूं, देखो आंसर तुमको आता है, प्रोविजन तुमको आता है, अब लिखने का दिक्कत है, क्योंकि आर्टिकल चिप के अंदर में लिखना तो सिखाया ही नहीं। अच्छा, प्रोविजन तुमको समझ में आ गया, तुमने अप्लाई भी कर दिए, परफेक्ट है सब, लेकिन इन सबसे मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, मार्क्स तो मिलेंगे लिखने से। अब लिखोगे कैसे इसको, एक्सप्लेन करो, पहले ट्राई करो, मैं तुमको सिखाता हूं, पहले टैक्ट बनाओ। हाँ, सबसे पहले एस पर सेक्शन लिखोगे। बट हम यहां चार क्वेश्चन के साथ डील कर रहे हैं, तो पूरा 139 लिखते बैठेंगे? नहीं, तो आपको नहीं लगता हमें स्पेसिफिक ABCD चारों अलग सॉल्व करना पड़ेगा? ABCD में उससे रिलेटेड प्रोविजन बस लिखना होगा और तुरंत कंक्लूजन लिखना होगा, इस तरीके से मार्क्स मिलेंगे, राइट? ये कितने मार्क्स को आया होगा? मुझे लगता है 8 मार्क का ये क्वेश्चन बनना चाहिए, 2, 2, 2, 2, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये 2-2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, बेयर मिनिमम 4 को तो कोई भी मरी हालत में होगा, 1-1 मार्क भी होगा तो, राइट? बट मुझे लगता है एग्जामिनर ने इसको 8 मार्क के लिए रखा होगा, लॉ प्लस कंक्लूजन देने के लिए, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन नहीं है, राइट? चलिए, पहले वाले का क्या सिचुएशन था? सुपर सीनियर सिटीजन, सो इंडिविजुअल हैज टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इफ इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एंड एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54F, 54EC, 54G, 54GA, 54GB एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, हियर सीनियर सिटीजन्स इनकम बिफोर डिडक्शन एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, हेंस he need to file return of income। सुनिए सर, अब एक रैंक होल्डर क्या अलग करता है? एक रैंक होल्डर, जवाब उसका भी वही होगा, आपका भी वही होगा। एक रैंक होल्डर पता है अलग क्या करता है?
जब उस पेन से वो लिखता है ना, एग्जामिनर को वो उतना पार्ट हाईलाइट करके दे देता है कि बॉस ये मेरा आंसर है। अब आपने अगर पॉइंट ए लिखा है तो बस इतने लाइन को हाईलाइट कर दीजिए। हो सकता है एग्जामिनर बाकी की प्रोविजन पढ़े बगैर सिर्फ कंक्लूजन देख करके आपको आंसर दे दे। ये सिर्फ एक चांस है, बट ऐसे केस में भी हम ऑडिट रिपोर्ट में भी तो यही करते हैं। जिस पार्ट को हमें क्लाइंट को हाईलाइट करना होता है, या तो हम उसे बोल्ड करते हैं, या तो हम उसे इटैलिक करते हैं, या तो हम उसे अंडरलाइन कर देते हैं, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के केस में तो हम हाईलाइट भी कर देते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो आप भी यही कर रहे हो, बस एग्जामिनर आपका क्लाइंट है, उसको उस हिसाब से आप दे रहे हो डिटेल। तो जिस पेन से लिख रहे हो, जरूरी नहीं आपके पास दूसरे कलर का पेन होना चाहिए, जिस कलर के पेन से आप लिख रहे हो बस तुरंत उसको हाईलाइट कर दो कि भैया ये प्रोविजन है, इसके लिए मुझे करना है। अच्छा, कई बार वो ऐसा भी करता है बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन, मतलब आप समझ रहे हो, प्रोविजन को भी वो वहां पे स्ट्रेस कर देता है ताकि एग्जामिनर को वो क्लियर कट बता दे कि हे एग्जामिनर, मैं समझ गया कि तेरा पॉइंट क्या था और उस हिसाब से मैंने ये प्रोविजन लिखा है। ठीक है, सो एग्जामिनेशन के अंदर में ये अलाउड है। दूसरी बात, आप अगर फाइनल के स्टूडेंट है, इतनी समझदारी आप में खुद से होनी चाहिए कि आप क्लास के अंदर में भी जब लिख रहे हैं तो ब्लैक कलर के पेन से लिखे। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? एग्जाम में क्या यूज करना है? पक्का है एग्जाम में ब्लैक यूज करना है? तो यहां पे भी फिर वही यूज करो ना, वही अपनाओ। देखो कुछ गलतियां हम करते जाते हैं, ये गलती मेरे भाई हमें नहीं करनी है। ठीक है, अपन क्या करते, ब्लू पसंद आ रहा ब्लू ले लेते, या सस्ता है इसलिए ले लेते। कम ऑन, हम सब एवरेज स्टूडेंट है, हम सब उसी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, तीन गलतियां आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है। पॉइंट नंबर एक, आज ही से फ्री फ्लो वाला पेन लो। ये चिंदगी करना छोड़ो कि ऑफिस की स्टेशनरी उठा करके लेके और उसी को क्लास में यूज कर रहा है। कम ऑन, स्टॉप दिस। फ्री फ्लो वाला पेन यूज करो। आप कौन सा पेन यूज कर सकते हैं? अगर आपकी हैंडराइटिंग मेरी जैसी खराब है, मैं मेरी हैंडराइटिंग को बिल्कुल घटिया मानता हूं। ठीक है, अगर आपकी हैंडराइटिंग मेरी जैसे खराब है, प्लीज यूज ट्राइमैक्स। दिस इज वन ऑफ द गुड पेन जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सामने का पेज भरने के लिए बॉल पेन यूज करना मैंडेटरीली, बाकी अंदर लिखने के लिए आप ट्राइमैक्स का पेन यूज कर सकते हो अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो। ठीक है, एंड दैट टू वो फ्री फ्लो वाला पेन है तो स्पीड आती है आपको अच्छे से, राइट? तो ट्राइमैक्स यूज करें, खर्चा हो रहा है होने दे। ये गलती मत करें कि यार खर्चा, और खर्चा कितने का हो रहा है, वो शायद 35 से 40 रुपए का पेन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। होन दे, अच्छी क्वालिटी को आज से यूज करना चालू करें। यस, जब चीज अच्छी दिखेगी तो आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा, है ना? तो ये चिंदीगिरी कुछ जगह पे करना छोड़ दो। मैं जानबूझ करके बोल रहा हूं क्योंकि मैं कई लोगों को देखता हूं, वो 2 रुपए वाला तो यूज एंड थ्रो पेन यूज करते हैं। प्लीज ये बंद करो, राइट? फ्री फ्लो वाला पेन लेना चालू करो, पहली चीज। दूसरी चीज, आप कई जगह पे बॉल पेन लेना अंडरलाइन करने के लिए, क्योंकि फ्री फ्लो वाले पेन से जब आप अंडरलाइन करते हो और कुछ कट गया तो वो बहुत ज्यादा कट जाता है, तो बॉल पेन यूज कर सकते हो अंडरलाइन करने के लिए। स्केल यूज कर सकते हो अंडरलाइन करने के लिए, तो स्केल की हैबिट अभी से लगाओ। समझ में आ रही बात? स्केल, ताकि अंडरलाइन वगैरह कर सको। ये सिर्फ आपके प्रेजेंटेशन को इंक्रीज करेगा। आपका जो आंसर शीट है और एक रैंक होल्डर का जो आंसर शीट है, आंसर शीट मोटे मोटे तौर पर मैच करता है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, वो उसके साथ साथ एक बहुत बेहतर प्रेजेंटेशन भी देता है प्रोफेशनल के लिए। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर इसके ऊपर मार्क्स काटता है, वो बोलता है यार इस आदमी को मैंने प्रोफेशनल बना दिया ना, ये प्रोफेशन की इज्जत लेके आएगा, फॉर्मेट कुछ देगा नहीं, काम कुछ करेगा नहीं, और ये इज्जत लेकर के आएगा पूरे प्रोफेशन की, तो इसलिए भी कई बार वो आपके मार्क्स काट देता। ये गलती मत होने दो। ठीक है, तो आप वो पेन यूज कर सकते हो। उसके अलावा देखो, एक पायलट का पेन आता है ब्लू कलर का, शायद 60 रुपीज का होता है। अगर आपकी हैंडराइटिंग, जैसे अब अगर मेरी हैंडराइटिंग देखो तो खराब है, जनरली जिनकी हैंडराइटिंग खराब होती है ना, उन्हें 0.7 वाला पेन यूज करना चाहिए। पेन के भी अलग अलग निब के साइज होते हैं। हैंडराइटिंग अगर आपकी अच्छी है, बहुत अच्छी है, स्पेसिफिकली लड़कियों का अगर आप देखोगे तो उनको बॉल पेन या पतला वाला पेन यूज करने चाहिए, जो जनरल पेन आते हैं। लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो आप प्लीज मोटे वाले पेन यूज कीजिए, 0.7 वाले। उसके अंदर में आपकी हैंडराइटिंग चांसेस थोड़े से ईजी है, राइट? स्पेसिफिकली आप अगर मेरे जैसे थोड़े से मोटे भी है तो अगर आप देखोगे तो आपके हाथ थोड़े से बल्की होते हैं, राइट? आपके हाथ, या आप जिम जाते हैं, राइट? तो आपके हाथ थोड़े से बल्की होंगे, हाथ के अंदर का स्पेस बहुत बड़ा होता है, तो ये छोटे पेन से लिख नहीं पाते, या लिखते लिखते ये उंगली अंदर हो जाएगी, हाथ दर्द करना चालू कर देगा। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एनालाइज की है, राइट? और बस मैं बताना चाहता हूँ कि यार इस चीजों को सुधार लो। तो आप 0.7 का पेन यूज कीजिए, वो आपको स्पेस देगा, क्योंकि वो मोटा भी रहेगा, वो आपको स्पेस देगा और अकॉर्डिंगली आपका फ्री फ्लो बनेगा हैंड लिखते वक्त, राइट? सो जस्ट ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस थिंग। आंसर आपको आते हैं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर में है, मार्क्स खींच के लेके आने, ऑब्जेक्टिव बस इतना है। समझ में आई बात? चलिए बी,
बी किस चीज पे बेस्ड था बताओ बेटा, बी किस चीज के ऊपर बेस्ड था? आई गेस वो चैरिटेबल या फर्म के ऊपर बेस्ड था ना, फर्म पार्टनरशिप फर्म के ऊपर बेस्ड था। एज पर सेक्शन 139 अ फर्म नीड्स टू फाइल रिटर्न इररिस्पेक्टिव ऑफ हैविंग इनकम और लॉस। देयरफॉर अबव फर्म नीड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। सी किसके ऊपर बेस था? सी किसके ऊपर बेस था? 1023 बी, आई एम नॉट रॉन्ग। एज पर सेक्शन 139(4)(c) एन इंस्टीट्यूशन कवर्ड अंडर सेक्शन 1023(b) नीड्स टू फाइल रिटर्न इफ इट्स इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। हेंस सच एसोसिएशन नीड्स टू फाइल रिटर्न। सच एसोसिएशन नीड्स टू फाइल रिटर्न। डरे बेटा, डी क्या था? सैलरी वाला। इंडिविजुअल नीड्स टू फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 139 इफ इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एंड एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54G, 54GA, 54GB, 54EC, 54F एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। हेंस ही नीड्स टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम।
याद रखने की जरूरत नहीं, बट आप मल्टीपल प्रैक्टिस करोगे तो ये आ जाएगा, मतलब एक दो बार भी आपने रीड कर लिया ना तो आ जाएगा। ठीक है, इज दैट डन? और क्वेश्चन इस टॉपिक पे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चनेयर जो आपको मिलेगा उसके तहत उसके अंदर में सॉल्व कर देना। अगेन रिपीट कर दूं, क्वेश्चनेयर हाल फिलहाल में उठाने का काम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चनेयर हाल फिलहाल में उठाने का काम नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चनेयर है इसके अंदर में अलग अलग टॉपिक के भी क्वेश्चन मिक्स करे हुए, तो अनलेस एंड अंटिल यू नो एटलीस्ट सम ऑफ द टॉपिक्स, तब तक के आप उसको ना उठाएं तो ये ऑलवेज बेटर है। हाँ, तब तक के प्रैक्टिस करने के लिए, जनरल प्रैक्टिस करने के लिए या ओरल आंसर लेने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट का लास्ट मॉड्यूल जो है नवंबर 22 का, आप खैर वो भी उठा लीजिए, उसके अंदर के भी मेजर क्वेश्चन तो सेम रहेंगे एक्सेप्ट द अमेंडमेंट वाला पार्ट इफ एनी, तो आप उससे भी अपना क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन ले सकते हैं, राइट, रिविजन करने के लिए। खैर बाकी टॉपिक का स्कोप इतने बड़े नहीं है, तो आप इतने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो काफी हो जाएगा। यस, चलो जी, पेज नंबर 2 पे आए सभी लोग, पेज नंबर 2 पे आए सभी लोग। रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या हो जाएगा? रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या हो जाएगा? जनरली रिटर्न फाइल करना है और रिटर्न ड्यू डेट के ऊपर ही फाइल करना है, सीएस। पर अगर बच्चों मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या हो जाएगा? सबसे पहली चीज जो आपको लग सकती है वो है इंटरेस्ट अंडर 234A। ये वन ऑफ द मैंडेटरी इंटरेस्ट और बहुत ही खतरनाक भी है। यस, आपको मैं बता दूं, इंटरेस्ट ऑल टुगेदर जितना भी कवर्ड है ये मैंने एक पूरा सेपरेट चैप्टर बनाया है, इसका एक सेपरेट चैप्टर ही लगेगा। हालांकि इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आप ओपन करके देखेंगे तो ऐसा कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है, पर मैंने जितने भी जगह के सारे इंटरेस्ट है इसको एक जगह रखा है। प्लीज इंडेक्स ओपन कीजिए, आप देखिए, आपको इंडेक्स का एक सेपरेट चैप्टर दिख रहा है, इंटरेस्ट का एक सेपरेट चैप्टर दिखेगा। मैं बताऊंगा, क्लबिंग के आगे देखिएगा, चैप्टर नंबर 11 के आगे देखिएगा, राइट, नाइन्थ नंबर पे ही आपको दिख जाएगा, क्लबिंग के आगे नाइन्थ नंबर पे ही आपको दिख जाएगा, इंटरेस्ट का एक सेपरेट चैप्टर है। तो 234A का छोटा सा ग्लिम्स मैंने दे रखा है, लेकिन इसके साथ साथ ही मैंने देखो लिख के रखा है डिस्कस्ड इन लेटर इन डिटेल, यस, बट मैंने दे रखा है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि इंटरेस्ट हर जगह हम एक साथ ही पढ़ेंगे। इंटरेस्ट लगता है अंडर सेक्शन 234A। दूसरी चीज जो आपके ऊपर लगेगी वो है फीस अंडर सेक्शन 234F। रिसेंटली क्लाइंट को सबसे ज्यादा हंट करने वाली चीज है 234F, क्योंकि ये फीस अच्छी खासी होती है और बहुत सारे एसएससी के केस में लगती है अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तो। तीसरी चीज, द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस इज लॉस्ट। अगर आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी, अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, तो ऐसे केसेस में सेक्शन 139(3) कहता है रिटर्न टाइम पे फाइल करना जरूरी है। अब अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया तो ये लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते नहीं, यानी वो बेनिफिट भी क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। दूसरी बात, अगर आपने रिटर्न नहीं भरा तो आपको नहीं लगता आपके साथ 142(1) हो सकता है? 142(1) क्या था जरा याद करके देखना, और जिसको याद नहीं आ रहा वो जाके अपनी बुक पलटाए, चार्ट ओपन करे, 142(1) याद आएगा। कुछ लोगों से हम रिटर्न भरवाते हैं, कुछ लोगों से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो डिपार्टमेंट या तो 142(1) का नोटिस भेजेगा, बोलेगा चल बेटा रिटर्न भर ले रे, या तो कुछ लोगों की वो डायरेक्ट बजा देगा, और अगर 143, 144 नहीं हुआ तो आपका रीअसेसमेंट भी तो हो सकता है 148 में, 147 टू 153 चार्ट में देखना जरा, यस, वो आपकी रीअसेसमेंट भी कर सकता है, यानी डिपार्टमेंट इन तीनों में से कोई एक्शन ले लेगा। नेक्स्ट, प्रोसिक्यूशन, ध्यान से देखिए प्रोसिक्यूशन लिखा है, प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। सर प्रोसिक्यूशन मतलब जेल, जेल रिटर्न ना भरने पे, ये प्रावधान है लेकिन इसे हर जगह यूज नहीं किया जाता। यस, देयर इज अ प्रोविजन, हालांकि इसे हर जगह यूज नहीं किया जाता, पर यह एक राइट है कि आपके ऊपर लगाया जा सकता है। तो रिटर्न ना फाइल करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? पहला, आपको इंटरेस्ट लग सकता है, दूसरा आपको फीस लग सकता है, तीसरा आपका जो लॉस कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट है ये आपके हाथ से चला जाएगा, चौथा डिपार्टमेंट एक्शन हो सकती है, 142 का नोटिस आ सकता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है, री असेसमेंट वाला सेक्शन अप्लाई हो सकता है, और एक्सट्रीम केसेस की अगर मैं बात करूं तो प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, दैट इज आपको उठा करके जेल में भी डाला जा सकता है। सर कितने साल के लिए जेल हो सकती है? बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं, एक सेपरेट चैप्टर है पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन। सर एक मिनट रुक जाओ, पढ़ाई गई तिल लेने के लिए,
चैप्टर कितने जीवन के अंदर में, पहले लेक्चर के अंदर में बताया था ना 43, इंटर पूरा है, यहां और है पेनल्टी कुछ, आपको 40-50 पेनल्टी पढ़ना है और 20-25 प्रोसिक्यूशन पढ़ने हैं, ये सब एक ही जन्म के एक ही जन्म के, तो ये भी आपको पढ़ना है। प्रोसिक्यूशन एक सेपरेट चैप्टर है, ये टॉपिक आपको असेसमेंट में मिलेगा, ये टॉपिक आपको अभी ही मिलेगा थोड़ी देर बाद, ये टॉपिक अभी ही मिलेगा थोड़ी देर बाद, राइट। तो प्रोसिक्यूशन के अंदर में आगे लिखिए रिफर चैप्टर पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन, रेफर असेसमेंट, रेफर सेक्शन 139(3). डन, चलो जी आते हैं एक एक करके। सबसे पहले आते हैं हम लोग फीस के ऊपर। फीस क्या है बेटा, यहां हुआ है अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट लेकिन 2021 का भी है और 2022 का भी है, राइट। हालांकि आप इस अमेंडमेंट को बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा अमेंडमेंट क्या था, मैं आपको बता दूं। यहां जो अमेंडमेंट आया है, यह अमेंडमेंट बिकॉज ऑफ क्या आया है, बिलेटेड रिटर्न एंड रिवाइज रिटर्न आया है। मतलब यहां जो अमेंडमेंट आया है ये बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न के कारण आया हुआ अमेंडमेंट है। फीस कितनी लगती है, और पहली बात इसको फीस नाम क्यों दिया गया है, इसको फीस नाम क्यों दिया गया है, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। होता यह है कि जितने भी रिटर्न एक साथ आते थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ये रिटर्न इंफोसिस या टीसीएस जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट मिला होता था, इनको एक साथ बंच के अंदर में चले जाते थे। बंच में जाते थे, जो प्राइस होता था इन रिटर्न को प्रोसेस करने का वो रिलेटिवली कम होता था। अब कुछ लोग थे लेट लतीफ, अपना रिटर्न फाइल करते थे बाद में, ये लोग क्या करते थे सिर्फ 234A का इंटरेस्ट भरते थे। अब ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए क्या होता था, अब देखो बल्क में मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया ये सस्ता पड़ेगा, या इंडिविजुअल इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट दिए ये सस्ते पड़ेंगे, बल्क में। अब होता क्या था, फिर बाद में जो एक 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 रिटर्न आते जाते थे, ये रिटर्न अलग से जाते थे प्रोसेस होने के लिए, और इसका हायर कॉस्ट भी किसको बेयर करना पड़ता था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। देन अरुण जेटली सर, राइट, लेट श्री अरुण जेटली सर, देन अरुण जेटली सर ने क्या किया, उन्होंने बोला वाह लेट लतीफी इनकी, कॉस्ट किसकी लगे, जुडिशरी की। क्या सेंस है इस बात में, उन्होंने बोला एक नया प्रोविजन लगाओ फीस, फीस फीस काय का है, आपके रिटर्न को प्रोसेस करने का, इसीलिए इसको इंटरेस्ट नाम न दिया गया, पेनल्टी नाम न दिया गया, समझ में आ रही बात। ये फीस आपसे ही कलेक्ट की जा रही है रिटर्न फाइलिंग की। अब क्या होगा, अगर आपने रिटर्न टाइम पे नहीं भरा तो आपसे ही फीस लेंगे और वो फीस देंगे, लेट लतीफी तुम्हारी है, देश उसके लिए नहीं भुगतेगा। आई थिंक दिस मेक्स वेरी सेंसिबल पॉइंट, यस। तो ऐसे केसेस के अंदर में फीस लगाई गई, सेक्शन 234F लाया गया। 234F कहता है अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया, सपोज द ड्यू डेट वॉज जुलाई, और जुलाई में आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, राइट, आपके पास लास्ट डेट है रिटर्न फाइलिंग करने के लिए 31 दिसंबर। सर 31 दिसंबर, हाँ थोड़ी देर में आपको बिलेटेड रिटर्न में वापस पॉइंट समझाऊंगा। आपके पास लास्ट डेट है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर तक के आपने रिटर्न भर दिया, 5000 इज द फीस। मतलब अगर ड्यू डेट के बाद आपने कभी भी रिटर्न भरा, 5000 इज द फीस। ड्यू डेट की डेट के बाद, 31 जुलाई के बाद, 31 अक्टूबर के बाद, या 30 नवंबर के बाद आपने कभी भी रिटर्न भरा या रिटर्न भरा ही नहीं, द फीस इज 5000 रुपीज, एंड दिस इज अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। द फीस इज एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट वाज योर इनकम, व्हाट वाज योर इनकम। दूसरी बात, एक प्रोविजन और दी गई है, हालांकि अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख रुपीज तक के है, अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख रुपीज तक के है, द फीस विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 1000, द फीस विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 1000। सो चलिए वापस से बताते हैं, इफ असेसी फेल टू फाइल द रिटर्न ऑन टाइम गिवन अंडर सेक्शन 139(1), द फीस एप्लीकेबल इज 5000 वेदर ही फाइल द रिटर्न और नॉट फाइल द रिटर्न। हाउएवर इफ द इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज, द मैक्सिमम फीस दैट कैन बी लेविड इज 1000। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सेक्शन में तो कुछ नहीं लिखा है बट फिर भी पूछना चाहता हूं, कैन दिस फीस बी वेव्ड, इफ यस हुम टू अप्लाई एंड अंडर व्हाट सेक्शन, कैन दिस फीस
fees be waived? If yes, then who can apply? Whom to apply? डिपार्टमेंट मीन्स हु? डिपार्टमेंट का मतलब होता है सेक्शन 116. बिल्कुल सही जवाब दिया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. सीबीडीटी सेक्शन 119 सबसेक्शन 2. सीबीडीटी कैन प्रोवाइड एनी अदर रिलीफ इवन इफ इट इज नॉट मेंशनड. तो अगर इसको माफ करवाना भी है कभी एज अ प्रोफेशनल, आपको सीबीडीटी को ही अप्लाई करना पड़ेगा ग्रीवियंस एड्रेसल मैकेनिज्म में. यस, सो चेक कीजिएगा मेरे साथ. अ पर्सन लाइबल टू पे लेट फीस फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम आफ्टर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1). सो 139(1) के ड्यू डेट में अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो 234F का आपको फीस लगता है. चलिए कुछ और बात भी बताता हूँ. TDS का रिटर्न या TCS का रिटर्न भी टाइम पे न फाइल करने पे आपको फीस लगता है 234E का. बिल्कुल इसी का भाई है 234E, और यहाँ लगता है 234F. तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, TDS के केस में 234E, नॉर्मल रिटर्न के केस में 234F. ठीक है. अ फीस शैल बी 5,000 rupees इफ पेबल इफ ROI इज फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट. हाउएवर इफ द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 lakh द फीस शैल बी 1,000. क्लियर है मालिक? रजिस्टर में जाइए. रजिस्टर में जाइए, सेक्शन 234F याद रखने का तरीका, F फॉर फीस फॉर नॉन फाइलिंग ऑब्लिक लेट फाइलिंग ऑफ ROI. इफ ROI इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट then fees shall be ₹5,000 however if income does not exceed ₹5 lakh then fees is डन? यस और नो? चलिए मुझे बताइए, अगर एसएससी रिटर्न फाइलिंग का ऑब्लिगेशन ही नहीं था, क्या फीस एप्लीकेबल है? आंसर इज नो. यस, यानी अगर रिटर्न फाइलिंग का आपके ऊपर ऑब्लिगेशन ही नहीं है तो ये प्रोविजन ही अट्रैक्ट कहां करेगा? प्रोविजन तो तभी अट्रैक्ट करता है ना रिटर्न इज फाइल्ड लेट. अगर रिटर्न फाइलिंग का ऑब्लिगेशन ही नहीं है तो फिर ये प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है. तो कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे, सर सपोज मेरा इनकम ही कितना है, 2,30,000 है, मैंने रिटर्न नहीं भरा तो क्या मेरे ऊपर फीस एप्लीकेबल है? लॉजिकली आंसर इज नो. जब आपका इनकम ही 2,30,000 है, व्हेन देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू फाइल रिटर्न, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ 234F अराइज? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ सपोज योर इनकम इज 4 lakh rupees, अवेलेबिलिटी ऑफ रिबेट 4 lakh के बेसिस पे आपको मिल गया, टैक्स पेबल इज 0, बट रिटर्न इज नॉट फाइल्ड ऑन टाइम. यू टेल मी वेदर फीस इज एप्लीकेबल? यस और नो? ऑब्वियसली यस.
इज देयर एन ऑब्लिगेशन टू फाइल रिटर्न? यस. आपका टैक्स पेबिलिटी से इसका कोई लेन देन नहीं है, तो इसको मिसकंसेप्चुअल मत कर देना कि भैया मेरा तो टैक्स पेबल ही नहीं आ रहा तो मेरे को फीस क्यों देना है. गलत, गलत. समझ में आई बात? प्राइमरी रीडिंग आपको यह बताएगी कि आपका टैक्स पेबल से इसका कोई लेन देन नहीं है. आपके ड्यू डेट पे आपको रिटर्न भरने का ऑब्लिगेशन था? आंसर इज यस. अगर रिटर्न भरने का ऑब्लिगेशन था, आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया, तो देयर वुड बी अ फीस ऑफ रुपीज 5000. यस. हालांकि इसके कंडोनेशन की बात की जा सकती है. यस. फीस मैक्सिमम कितनी होगी? 1000. सर, पॉइंट टू बी नोटेड. ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है नहीं. सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि सर, मान लो हमने क्या किया, ड्यू डेट के बाद हमने क्या कर दिया, यू नो, फीस भर दिया, और उसके बाद गवर्नमेंट ने ड्यू डेट एक्सटेंड किया. गवर्नमेंट कैन नेवर डू दैट. गवर्नमेंट को अगर एक्सटेंशन करना भी है तो लास्ट डेट से कभी भी पहले होता है, भले ही रात 12 बजे से 10 मिनट पहले ही क्यों ना हो. समझ में आ रही बात? तो ये कभी नहीं हो सकता. मतलब द सिचुएशन वुड नेवर अराइज. दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. हाँ, जीएसटी में ही होता है, डीटी में नहीं होता. डीटी में 2 घंटे पहले होता है. डीटी में 2 घंटे पहले होता है. 2 घंटे पहले बताएंगे कि भैया हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं. एटलीस्ट मैक्सिमम लोगों का भरवा लेते वो लोग, और फिर बोलते चलो बच्चे के लिए एक्सटेंड कर दिया. तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने दे दिया उसके बाद इनको याद आया चलो एक्सटेंड करना है. एक्सटेंशन तब पॉसिबल है जब ड्यू डेट खत्म होने वाली हो. खत्म होने के बाद वेयर द क्वेश्चन ऑफ एक्सटेंशन अराइज? नहीं, हो ही नहीं सकता, राइट? चलो मालिक. हाँ, मैं आपको बताऊं, बस यही एक फायदा है फेस टू फेस बैच का. क्या फायदा है? क्वेश्चन पहली बात तो इमीडिएट हो जाते हैं, दूसरी बात क्वेश्चन जो आ रहे होते हैं ना ऑनलाइन के अंदर में, बच्चा वीडियो देखता रहता है, वो अपने क्वेश्चन को पूछता ही नहीं. बहुत सी बार वो अपने क्वेश्चन को पूछता ही नहीं. लेकिन फेस टू फेस का फायदा यह होता है कि वो बच्चा अपने क्वेश्चन को पूछता है. दूसरी बात क्या होता है? डिसिप्लिन. हो सकता है जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा, पहली बात तो 1.3 में घुस के बैठा होगा, राइट? कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मिस आउट कर जाएगा, बाद में वो क्वेरी डालेगा. जबकि ऐसा कोई सेक्शन नहीं रहता जिसको हम क्लैरिटी देकर के आगे ना बढ़े. दूसरी बात क्या होता है, उसको वो फील ही नहीं आ सकता. वो 1 घंटा देखा, मम्मी ने चाय के लिए बुलाया, बाहर चला गया. पेन ड्राइव के अंदर में 3 घंटे का लेक्चर मिनिमम 5 घंटा होता है. डू यू अग्री? मिनिमम 5 घंटा. और कई सिलेबस अगर टीचर ही बोल रहा वो कंटेंट इंटरेस्टिंग नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ऑडिट, राइट? मैं मेरी बात कर रहा हूं, मेरे को ऑडिट बिल्कुल मतलब झेलने के ही बाहर वाली चीज है मेरे लिए. मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं, आपका अलग हो सकता है. तो मतलब उस केस में आपको 1 दिन 1 लेक्चर का कंसेप्ट होता है, 2 या 3 दिन भी हो सकता है. यस. साहिल पूछ रहा है, सर इफ इनकम इज बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वेदर 234F इज 0? जवाब दीजिए. अभी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया साहिल, कि अगर आपको ऑब्लिगेशन टू फाइल रिटर्न है ही नहीं, सो वेयर द क्वेश्चन ऑफ फीस अराइज? द सेक्शन इटसेल्फ अराइज व्हेन देयर इज अ ऑब्लिगेशन टू फाइल रिटर्न. इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड ऑन टाइम, सेक्शन ही वहीं से चालू हो रहा है. यस. चलो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस था 234A. हाल फिलहाल में मैं आपको अपफ्रंट बता दूं, इस सेक्शन को पढ़ाने से पहले हमारा ऑब्जेक्टिव अभी 234A को पढ़ना है ही नहीं. अभी आप बहुत प्रीमैच्योर है इस सेक्शन को पढ़ने के लिए, इसीलिए कुछ बेसिक मैंने यहाँ पे रख दिए. हालांकि चैप्टर नंबर 9 में पूरा का पूरा हमने टाइम और पेस और क्वेश्चन डेडिकेट किया है इस कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है? तो अभी सिर्फ इसको बेसिक्स में समझ लेना, ध्यान से सुनना. हाँ जी जी जी. मैं नहीं समझा, इलेबरेट करो. अच्छा ठीक है, मैं समझ गया. मेरे भाई ने सवाल पूछा, भाई का सवाल मैं रीट्रेट करता हूँ, ध्यान से सुनिए. भाई ने पूछा कि सर सपोज आई एम अ पॉलिटिकल पार्टी हु इज एग्जम्प्टेड अंडर 13A. पॉलिटिकल पार्टी की समझाता हूँ, ठीक है? आई एम अ पॉलिटिकल पार्टी हु इज एग्जम्प्टेड टू यू नो फाइल एग्जम्प्टेड टू पे टैक्स, राइट? वॉज देयर एन ऑब्लिगेशन टू फाइल रिटर्न? सपोज पॉलिटिकल पार्टी की इनकम 5 लाख रुपए थी, एग्जम्पशन अंडर 13A 5 लाख रुपीज, वॉज देयर एन ऑब्लिगेशन टू फाइल रिटर्न? हाँ या ना बोलो ना.
Yes, because income exceed basic exemption limit. Suppose if they have not filed the return on time, fees will be applied by you. Fees will be applied by you. Again, I am repeating myself. Is there an obligation to file return? If there is an obligation to file return, the fees would be applicable if their return is not filed. It has nothing to do with whether you pay the tax or not. You are getting the exemption or not. It has nothing to do with it. Yes? Chalo ji Malik. Where were we? Hum kahan the? 234A. Everybody please come to the page 234A. Interest under 234A. 234A का इंटरेस्ट कब लगता है? 234A का इंटरेस्ट लगता है अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया तो. अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, सर आपने फीस ले ली तो इंटरेस्ट इज इन एडिशन और नॉट? आपने तो फीस ले ली, आप समझ नहीं रहे. सरकार के दो अलग अलग ऑब्जेक्टिव थे. पहला, आपका रिटर्न लेट प्रोसेस होगा उसके लिए थी फीस, पर एट द सेम टाइम आपने रिटर्न लेट भरा, आपको डिसिप्लिन में लाना जरूरी था. 99% केस में जो टैक्स पे किया जाता है वो रिटर्न के साथ आता है, मतलब सरकार को जो टैक्स आना चाहिए था वो भी डिले हो गया. सरकार इसके लिए आपसे क्या ले रही है? इंटरेस्ट. मतलब आप ये मान के चल लीजिए इंटरेस्ट अंडर 234A एंड फीस बोथ आर साइमल्टेनियसली एप्लीकेबल इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड ऑन टाइम. बोथ आर साइमल्टेनियसली एप्लीकेबल इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड ऑन टाइम. दूसरी बात, सर इंटरेस्ट कब लगता है? जब आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया या रिटर्न ही फाइल नहीं किया तो आपको 234A का इंटरेस्ट लगता है. ये इंटरेस्ट मैंडेटरी इंटरेस्ट है. मैंडेटरी इंटरेस्ट का मतलब कुछ भी हो जाए ये इंटरेस्ट आपको फाइल करना ही है, अनलेस एंड अंटिल द सीबीडीटी अंडर 192 गिव यू द रिलैक्सेशन. यस. अच्छा, इंटरेस्ट कब से कब तक लगेगा? सर इंटरेस्ट कब से कब तक लगेगा डिपेंड करता है दो पॉइंट के ऊपर. फ्यूचर में हो सकता है आपने रिटर्न भर दिया, लेट भरा पर भर दिया, तो कब से कब तक इंटरेस्ट होना चाहिए? कॉमन सेंस लगाओ. सपोज जुलाई वॉज द ड्यू डेट, आई फाइल द रिटर्न इन नवंबर, इंटरेस्ट कब से कब तक का होना चाहिए? जुलाई टू नवंबर या ऑगस्ट टू नवंबर? ऑगस्ट टू नवंबर आफ्टर द ड्यू डेट. सो ऑगस्ट, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फोर मंथ्स इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल. सपोज रिटर्न फाइल किया ही नहीं, अब क्या होगा? जैसे वापस बेसिक में जाओ, रिटर्न फाइल नहीं होता है तो डिपार्टमेंट क्या करता है? नोटिस भेजता है या असेसमेंट करता है? अब सीधा असेसमेंट होगी, नोटिस भेज के तो सिर्फ इंफॉर्मेशन आनी है, यानी टेक्निकली वो कहां तक जाएगा? असेसमेंट. कौन से सेक्शन की असेसमेंट की बात चल रही है? 143(2). मैंने सर पे मारना है बॉटल तेरे नालायक आदमी. रिटर्न भरोगे तो 143(2) आएगा ना. रिटर्न नहीं फाइल करने की इंटरेस्ट पड़ रहे हम, कौन सी परी के ख्याल में भाई? 144 उसकी क्या करेगा बेटा? वो बजाएगा. समझ में आ रही है बात? हाँ, भूलने नहीं दूंगा, ऐसा नहीं, भूलने नहीं दूंगा, कितना भी ट्राई कर लो भूलने नहीं दूंगा. लॉ तुम बनाओगे, वो भी कॉमन सेंस से. हाँ, तो दो बातें हो सकती है अगर मैंने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया. पहला सिचुएशन, मैंने रिटर्न फाइल किया पर फ्यूचर में फाइल किया, तो ड्यू डेट के बाद से लेके जब तक रिटर्न फाइल किया तब तक का इंटरेस्ट मेरे पे एप्लीकेबल. अगर मैंने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, मतलब कभी ना कभी 144 इसके ऊपर जरूर होगा. जब भी इसके ऊपर 144 होगा वहां तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, उसके ऊपर क्या किया जाएगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा. बराबर है? चलिए वापस से देखिएगा. वेयर द रिटर्न अंडर 139(1) नॉर्मल रिटर्न विद इन द ड्यू डेट, 139(4) बिलेटेड रिटर्न, 142(1) इनफैक्ट नोटिस देने के बाद भी आपने रिटर्न नहीं भरा तो भी आपका 234A चालू हो जाता. इज फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट, इज फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट और इज नॉट फर्निश्ड. रिटर्न जो आप सबमिट कर रहे हैं या आफ्टर द ड्यू डेट सबमिट कर रहे हैं या आप रिटर्न सबमिट ही नहीं कर रहे, दोनों केस में 234A आएगा. The assessee shall be liable to pay simple interest at the rate of 1% per month or part thereof. 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 बताइए, मैंने 1 नवंबर को मेरा रिटर्न फाइल कर लिया, 31 जुलाई वॉज द ड्यू डेट, मैंने 1 नवंबर को मेरा रिटर्न फाइल कर दिया, कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? महीने बताइए सर. 4 महीने का लगेगा? 4 महीने का लगेगा पक्का?
कैसे चार महीने? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का एक भी दिन हुआ, यहां पे लिखा है पार्ट देयर ऑफ, पार्ट ऑफ द मंथ इज कंसिडर्ड एज होल मंथ, पूरे मंथ का क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट लग जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वेयर द असेसी फेल टू फाइल रिटर्न अंडर द 139(1) और 139(4) दैट इज बिलेटेड रिटर्न और 142(1) की ड्यू डेट के अंदर में आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपके ऊपर क्या लगना चालू हो जाता है? इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है. इंटरेस्ट कितना लगता है? 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ. 1% किसका बेटा? टैक्स पेबल का. 1% किसका बेटा? टैक्स पेबल का. 1% किसका बेटा? टैक्स पेबल का. कब से कब तक? दो सिचुएशन पॉसिबल है. सिचुएशन वन, नंबर वन, फ्यूचर में आप कभी तो भी रिटर्न फाइल करेंगे, जब भी करेंगे टिल द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम. आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, कभी ना कभी आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगी टिल द डेट ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. जब तक आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक का इंटरेस्ट आपको एओ ठोक देगा. ये इंटरेस्ट लगाएगा कौन? एओ. ये इंटरेस्ट लगाएगा कौन? एओ. सर टैक्स पेबल कैसे निकालेंगे? कैसी बातें कर रहे हो, टैक्स पेबल कैसे निकालेंगे? जो भी आपका टैक्स डिटरमाइंड हुआ होगा 143(1) में. स्टॉप. 143(1) कहीं सुना सुना सा लगता है. मैंने तुम्हारा सर फोड़ देना है, शादी करा दूंगा मैं तेरी, ऐसी फालतू जवाब दिया भाई तूने. रेगुलर असेसमेंट, तुम्हारी भी शादी करा दूंगा. अबे 143(1) समरी असेसमेंट, 143(3) रेगुलर असेसमेंट. खूब जमेगा, तीन लोग बैठेंगे, आप में और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट. 143(1) क्या है? समरी असेसमेंट. लिखो एरो करके, ऐसे बैठे वहां पे राजा के जैसे जैसे सब आई जाएंगा जीवन में. समरी असेसमेंट में जो आपकी इनकम डिटरमाइंड हुई होगी या रेगुलर असेसमेंट में जो आपकी इनकम डिटरमाइंड हुई होगी वो इनकम लेंगे. उसमें से आपने आज तक जितना पे किया होगा वो माइनस कर देंगे, क्योंकि उतना टैक्स तो सरकार को मिल गया. अब सरकार को कितना टैक्स मिल चुका होगा? मान लीजिए आपको कोई रिलीफ दिया होगा वो टैक्स बाजू कर देंगे. आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया होगा वो माइनस कर देंगे. आपका कोई टीडीएस टीसीएस क्रेडिट पड़ा होगा वो माइनस कर देंगे. आपको कोई मैट और एएमटी क्रेडिट मिल रहा होगा वो माइनस कर देंगे. बचा हुआ अमाउंट आपका क्या रहेगा? टैक्स पेबल. इन शॉर्ट, आपका कितना टैक्स आपके असेसमेंट के बेसिस पे बनना चाहिए था माइनस कितना टैक्स आपने अलग अलग वेज में पे कर दिया, यही आपका बैलेंस टैक्स था जो सरकार को आना चाहिए था. ये आपने पे नहीं किया, इस टैक्स के ऊपर आपका 1%, इस टैक्स के ऊपर आपका 1%. Yes, तो टैक्स डिटरमाइंड एज पर द समरी असेसमेंट, जो भी आपने असेसमेंट में डिटरमाइन किया होगा, माइनस जितना अब तक सरकार के पास ऑलरेडी पहुंच चुका होगा टीडीएस के माध्यम से, टीडीएस टीसीएस के माध्यम से, मैट एएमटी के माध्यम से, रिलीफ के माध्यम से, एडवांस टैक्स के माध्यम से, सब माइनस कर देना. ये टैक्स पेबल, इसका 1% और पार्ट देयर ऑफ आपको एप्लीकेबल होगा. बहुत सोच समझ के एक सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दीजिएगा. अगर मेरा टैक्स पेबल ही जीरो है, मेरा इंटरेस्ट बताओ? जीरो. इसमें सोचने समझने वाले पॉइंट क्या है? एक मिनट में जवाब आना चाहिए. द इंटरेस्ट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन टैक्स पेबल. अब मेरा टैक्स पेबल ही जीरो है तो इंटरेस्ट क्या है? समझ में आ नहीं मेरे पास, मेरे दोस्तों, मेरे लाल. तो ऐसे कुछ और सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं. बुलाती है मगर जाने का नहीं, समझ लेना बेटा. अगर मुझे लॉस आया या रिफंड आया, इंटरेस्ट कितना? अरे फिर जीरो. समझ रहे हो बात को? अबे टैक्स पेबल तेरा जीरो है, रिफंड के केस में तेरा टैक्स पेबल क्या है? जीरो. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. रिफंड के केस में तेरा टैक्स पेबल क्या है? जीरो. तो तेरा 234A का इंटरेस्ट भी क्या आने वाला है? जीरो. ठीक है. अब एक और सवाल है, सोचना समझना और फिर से बताना. देखिए हुआ क्या हुआ, यह कि आपने 234A का इंटरेस्ट भी भर दिया था, इफ एनी, जब आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे थे तो आपने कुछ 234A का इंटरेस्ट कुछ आ रहा था, आपने पे कर दिया. बराबर है? आपके हिसाब से डिपार्टमेंट ने, आपने जो पे किया होगा वो आपकी रिटर्न के बेसिस पे किया होगा. डू यू अग्री? फॉर एग्जांपल आपका इनकम था 5 लाख, कंसीडर करना, समझना इस बात को. आपका इनकम था 5 लाख रुपीज रिटर्न के हिसाब से, आपने रिटर्न लेट फाइल कर रहा तो 5 लाख के बेसिस पे जो टैक्स आता है उसके बेसिस पे आपने इंटरेस्ट जो था वो पे कर दिया सेल्फ असेसमेंट टैक्स में. सिचुएशन डन, एवरीबडी सॉर्टेड. डिपार्टमेंट ने क्या किया? समरी असेसमेंट किया. ये 5 लाख हो गया 7 लाख, ये 5 लाख हो गया 7 लाख. अब 7 लाख के बेसिस पर टैक्स पेबल आया होगा, इंटरेस्ट भी अब 234A का बदलेगा. अब सपोज आप 234A का इंटरेस्ट पे करने जा रहे हैं समरी असेसमेंट के हिसाब से,
क्या आपने ऑलरेडी जो 234 ए पे किया होगा ये माइनस करोगे या नहीं करोगे? आपको समझा मेरा सवाल? मेरे को नहीं समझा, हाउ डेयर यू, बोलो नहीं समझा, मैं एक और बार समझाऊंगा। नहीं समझा, बोलो नहीं समझा, मैं वापस समझाऊंगा। सुनिए, विजय ने अपना रिटर्न भरा, रिटर्न वॉज ऑफ 5 लाख रुपीज, ऑन दैट बेसिस विजय कंप्यूटेड टैक्स, ऑन दैट बेसिस देर वॉज अ डिले इन फाइलिंग रिटर्न, विजय पेड 234 ए। ये तो मेरे रिटर्न के भरोसे पे हुआ, लेकिन 234 ए का जो कंप्यूटेशन हो रहा है वो मेरे रिटर्निंग इनकम के बेसिस पे थोड़ी ना हो रहा है मेरे सेठ, वो कौन से बेसिस पे हो रहा है? समरी असेसमेंट के बेसिस पे। समरी असेसमेंट में मेरा इनकम हो गया 7 लाख, यानी अब मेरा टैक्स पेबल भी बढ़ गया, टैक्स पेबल के साथ साथ मेरा इंटरेस्ट अंडर 234 ए भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे टैक्स चेंज होगा वैसे वैसे 234 ए भी चेंज होगा, बराबर है। अब जो मैं 234 ए पे करूंगा, क्या मैं ऑलरेडी 234 ए जो मैंने सेल्फ असेसमेंट में पे किया है क्या वो मैं माइनस करूंगा, हाँ या ना? ऑब्वियसली यस, जब मैं डिफरेंस भी टैक्स पेबल ही दूंगा तो मैं इंटरेस्ट भी टैक्स पेबल ही दूंगा। नीचे की लाइन पढ़ो, एक मिनट, सिर्फ नीचे की लाइन पढ़ो। द इंटरेस्ट पेबल शैल बी रिड्यूस्ड बाय द इंटरेस्ट इफ एनी पेड अंडर 140 ए। समझ में आया क्या? टूवर्ड्स द इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस सेक्शन। अब अगर मैं, जाहिर सी बात है, मैं ऑलरेडी 234 ए का कुछ पे किया हूं तो मैं वापस से क्यों पे करूंगा उतना इंटरेस्ट? मैं तो सिर्फ डिफरेंशियल अमाउंट पे करूंगा ना। आहो, डन है बच्चा? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं नहीं, वो डिपेंडिंग अपॉन जो सिचुएशन है, रिटर्न फाइल किया होगा तो रिटर्न की डेट तक का, असेसमेंट होगा तो असेसमेंट की डेट तक का। आहो, क्लियर है मालिक? चलिए 234 ए पे आइए। वैसे भी 234 ए का और डिटेल डिस्कशन करना है हमें, यहाँ नहीं करेंगे, सही जगह रहेगी, करेंगे वहां पे करेंगे। 234 ए का बेसिक जरूर लिख देंगे हम लोग, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए। इफ असेसी फेल टू फाइल ROI अंडर सेक्शन 139(1) और 139(4) और 142(1) ऑन टाइम अंडर सेक्शन 139(1) देन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ इज एप्लीकेबल। ऑन द टैक्स पेएबल इफ ROI फाइल्ड, ROI नॉट फाइल्ड, इफ ROI फाइल्ड इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम द इंटरेस्ट विल बी चार्ज द डे आफ्टर द ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ROI इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड फ्रॉम द डे आफ्टर द ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट।
डन बेटा। चलिए हाल फिलहाल में इतना लिखिए, वो 140 वाला ये वो सब वाले लिखने की जरूरत नहीं, 234 ए में आगे जाएंगे लिखेंगे। डन बेटा, बहुत बढ़िया जी। वापस इधर आते हैं, देखिए दो ही चीज हमें यहां पढ़नी थी, बची हुई तीन चीजें हमें डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़नी है या डिफरेंट सेक्शन में पढ़नी है, वहां डिस्कस करेंगे। यहां से निकल के आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हाट आर द मोड ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ये हमने वैसे भी देख लिया, रिटर्न फाइल करना है वॉलेंट्रीली कर लो 139 में, या फिर एम्प्लॉयर कर सकता है 139(1)(a) में बल्क रिटर्न, या फिर टीआरपी कर सकता है 139(b) के अंदर में, या फिर नोटिस आने पे आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो दीज आर फोर वेज यू कैन फाइल द रिटर्न, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल ऑफ देम, राइट। चलिए, अच्छा एक सवाल था 234A से रिलेटेड ही था, मैं पूछ लेता हूं। सपोज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न वॉज 31 जुलाई, मिनिस्ट्री एक्सटेंडेड द ड्यू डेट बाय वन मंथ, दैट इज 31 अक्टूबर। नाउ द इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम जुलाई, दैट इज 1st ऑफ अगस्त, और इट विल बी चार्ज फ्रॉम 1st ऑफ सेप्टेम्बर। आपको क्वेश्चन समझा मेरा, वापस से सुनिए। माई ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न वॉज 31 जुलाई, डिपार्टमेंट एक्सटेंडेड द ड्यू डेट बाय वन मंथ, दैट इज 31 अगस्त। अब जो मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 234A का, वो कहां से करूंगा, 1st अगस्त से या 1st सितंबर से? 1st सितंबर, आर यू श्योर? सो ड्यू डेट को जब हम इंटरप्रीट करेंगे, ड्यू डेट मतलब ड्यू डेट विच इज रिटन इन 139(1), रीड विथ एनी एक्सटेंशन विच हैज बीन गिवन बाय डिपार्टमेंट। समझ में ही बात, ये चीज लॉ में स्पेसिफिक नहीं है, बट इंटरप्रिटेशन इसका यही है। चलो जी प्रभु, आते हैं 139(3) के अंदर में, लॉस रिटर्न। पढ़ने से पहले आपको एक बार लिस्ट याद दिला दूं, हमने सेक्शन इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट की लिस्ट पढ़ रहे हैं, वी हैव ऑल्सो डन दिस, यस वी हैव ऑल्सो डन दिस, वी हैव ऑल्सो डन दिस। 234FB हमने कंप्लीट किया, आप देखिए चैप्टर को खत्म करने के कैसे नजदीक आते जा रहे हैं हम लोग। समझ में आ रही है बात, हाँ या ना? अब हम चल रहे हैं कहाँ पे बेटा, 139(3) के ऊपर, नॉट सो इंपॉर्टेंट कैटेगरी सेक्शन के ऊपर। चलिए, जब आप मेरे साथ सेट ऑफ चैप्टर पढ़ेंगे आगे के मॉड्यूल्स में, तब आप एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे 139(3) लॉस रिटर्न। प्रैक्टिकली लॉस रिटर्न नाम की कोई चीज ही नहीं होती, अ रिटर्न विच इज शोइंग अ लॉस इज कॉल्ड एज लॉस रिटर्न, अ रिटर्न विच इज शोइंग द लॉस इज कॉल्ड एज लॉस रिटर्न, सिंपल। पॉइंट नंबर टू, लॉस इज दैट अगर आपको पीजीबीपी का लॉस, कैपिटल गेन का लॉस, या लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, तीन तरह के लॉस, पीजीबीपी, कैपिटल गेन या लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करने, बात सेट ऑफ की नहीं चल रही, बात कैरी फॉरवर्ड की चल रही है, अगर आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करने हैं, तो आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना जरूरी है। टाइम मतलब वही टाइम जो 139(1) के अंदर में हमने लिखा है, राइट। सो अगर लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करने हैं, तो आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना जरूरी है। अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया, लॉस उस साल का आप सेट ऑफ तो कर पाओगे, लेकिन आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। इन शॉर्ट, अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, तो रिटर्न नीड्स टू बी फाइल्ड ऑन टाइम, पॉइंट वन। पॉइंट टू, हाउएवर अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, प्रैक्टिकली ये भी एक लॉस ही होता है, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न आपने टाइम पे फाइल नहीं किया। सर वाई? क्योंकि बात चल रही है बिजनेस लॉस की, कैपिटल गेन लॉस की, या तो फिर ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, और ये तीनों भी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में नहीं आते। सो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, इवन दो आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया, या फॉर दैट मैटर रिटर्न भी फाइल नहीं किया, तो भी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ये पॉइंट हम सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 में फिर रिवाइज करेंगे। एचपी लॉस, एचपी को भी क्या दिया गया है, बेनिफिट दिया गया है। एचपी लॉस भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आप रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते हो तो भी, क्योंकि यहां पे मेंशनिंग सिर्फ पीजीबीपी का है, कैपिटल गेन का है, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस का है। यस, सैलरी में लॉस आता नहीं, जनरली अदर सोर्सेज में भी लॉस आता नहीं, एक्सेप्ट ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। तो एचपी का लॉस भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, भले ही आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया, लेकिन एचपी लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है, रिटर्न भरना पड़ेगा। टाइम पे फाइल नहीं किया तो भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सो एचपी और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ही ऐसे दो चीज है, एक्सेप्शन है, जहां पे आप रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते तो भी आप लॉस को क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। हाउएवर पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस तभी कैरी फॉरवर्ड हो पाएंगे व्हेन रिटर्न इज फाइल्ड ऑन टाइम। चेक कीजिएगा, इफ अ पर्सन हैज सस्टेन्ड अ लॉस अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी, कैपिटल गेन, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, देन ही मे फर्निश अ रिटर्न ऑफ लॉस, देन
he may furnish a return of loss within the prescribed time under 139(1) and all provision of the Income Tax Act shall apply as if it is a return furnished under 139(1). If loss return is not filed, loss is not allowed to be carried forward. Point to be noted, loss is not allowed to be carried forward. Set off ke baare mein koi baat nahi likhi hai. ठीक है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड इवन इफ नो लॉस रिटर्न इज फाइल्ड ऑन टाइम हेल्ड इन सीआईटी वर्सेस गोविंद नागर शुगर मिल्स केस. यस, गोविंद नागर शुगर मिल्स केस कहता है एचपी और अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन ऐसी चीज है जिसका आपने टाइम पे फाइल नहीं किया तो भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. एनी रिटर्न विच हैज अ लॉस अंडर द हेड रिटर्न फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ लॉस इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड to be carried forward is covered under this section. क्या लिखा है ये? Return for the first year of loss need to be carried forward. इसको example में लिखाऊंगा आपको अभी जब लिखाते रहूंगा तब. East Asiatic Company India Private Limited Madras judgment. The set off and carry forward of depreciation is governed by section 32 subsection 2 and is not governed by chapter 6. Section 80 overrides chapter 6 but does not override 32(2). Section 32(2) nowhere provides that ROI should be filed on or before the due date for carry forward of unabsorbed depreciation. Highlight, the unabsorbed depreciation can be carried forward even if the return is furnished after the due date. यही चीज गोविंद नागर सुगर मिल के केस में भी हुई थी, यही चीज ईस्ट एशियाटिक केस में भी हुई. CIT versus हरियाणा होटल्स, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का केस. There is no provision under the Act which makes it mandatory for the assessee to file return for carry forward and set off of unabsorbed depreciation. Highlight, therefore, unabsorbed depreciation can be carried forward even if no return has been filed by assessee. Yes or no? Right? Register mein aaiye. Loss return. PGBP loss, capital gain loss, loss from owning and maintaining horse race cannot be carried forward if ROI not filed on time. HP loss and unabsorbed depreciation can be carried forward if ROI even if ROI is not filed on time. Unabsorbed depreciation can be carried forward even when ROI is not filed. Dhanay ji, say yes. अब समझिए वो एक जो लाइन जो थी फर्स्ट ईयर ऑफ लॉस, इसका क्या मीनिंग हुआ? एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज फाइनेंशियल ईयर 21-22 आई सफर्ड अ लॉस.
ROI filed on time, एग्जाम्पल लिखना, पहले समझ लेना फिर लिखना. सो फाइनेंशियल ईयर 21-22 लॉस आया, लॉस का रिटर्न मैंने फाइल कर दिया, लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है. फाइनेंशियल ईयर आया 22-23, द लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड कुड नॉट बी सेट ऑफ, असेसी फेल टू फाइल ROI. कैन लॉस बी कैरिड फॉरवर्ड? देखिए, सुनिए, समझिए, फिर जवाब दीजिए. फाइनेंशियल ईयर 21-22 में लॉस आया, जिस साल लॉस आया उस साल का रिटर्न भर दिया, लॉस कैरी फॉरवर्ड भी हो गया. नेक्स्ट ईयर अब इस लॉस को सेट ऑफ होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट दिस कुड नॉट बी सेट ऑफ, सेट ऑफ ही नहीं हो पाया सेट, ठीक है. एट द सेम टाइम असेसी ने लॉस भी फाइल, लॉस रिटर्न भी फाइल नहीं किया. अब 23-24 में क्या ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, हाँ या ना? हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. जितने ऑनलाइन कनेक्टेड है, क्या जवाब है आपका? आकाश कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता. जितने लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है, क्या जवाब है? राहुल कह रहा है सर हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं है. बोलो जल्दी से, हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है, नहीं हो सकता. एंड आंसर इज यस. ROI फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ लॉस इज इंपॉर्टेंट. जिस साल लॉस अराइज हुआ उस साल का रिटर्न सरकार को देना जरूरी है, आगे के ईयर का आप दो या ना दो ये इरेलेवेंट है. क्योंकि लॉ को जब आप इंटरप्रेट करते हैं तो लॉ का इंटरप्रिटेशन बनता है रिटर्न फॉर द ईयर ऑफ लॉस, दिस आर द वर्ड्स दे यूज. समझ में आई बात? तो इंटरप्रिटेशन इसका ये है, जिस साल लॉस आया उस साल रिटर्न आपने फाइल करना है. आगे के ईयर में सी सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या था इस सेक्शन को लेकर के, पहले समझो. सरकार का ऑब्जेक्टिव था इस सेक्शन को लेकर के, अगर आपको लॉस आया तो ये लॉस सरकार को कम्युनिकेट होना चाहिए, ना कि ये वही लॉस बार बार कम्युनिकेट होना चाहिए. आपने घर पे एक बार बेल बजा दी, दैट्स ओके, कोई ना कोई आके गेट खोलेगा. बार बार टिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग बजाने की जरूरत नहीं है. आपने एक बार लॉस कम्युनिकेट कर दिया, दैट्स इट, उनको समझ में आ गया. आप जब ये सेट ऑफ करेंगे तब भी उनको समझ में आ जाएगा, उनका सिस्टम इतना पावरफुल है उनको समझ में आ जाएगा. यस, लेकिन उसको बार बार कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है. अब इस लाइन को पढ़िए, आपको इंटरप्रिटेशन समझेगा कहां गया ये. एनी रिटर्न विच हैज अ लॉस इन एनी हेड, द रिटर्न फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ लॉस रिक्वायर्ड टू बी कैरिड फॉरवर्ड इज कवर्ड इन दिस सेक्शन. आपको फर्स्ट ईयर ऑफ लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है. जिस साल लॉस आया है उस साल का लॉस आपने क्या करना है? कैरी फॉरवर्ड करना है. के लिए आपको लॉस रिटर्न भरना जरूरी है. जिस साल लॉस आया उस साल के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न भरना जरूरी है. जी मैम, ऑब्वियसली नहीं होगा. मैडम ने सवाल पूछा 21-22 का लॉस तो हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, सपोज 22-23 में भी लॉस आया वो, उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए उस साल का रिटर्न भरना जरूरी था, वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे. मुझे एक सवाल पूछा गया एक और मैम ने पूछा कि सर मान लीजिए 21-22 में मेरे को लॉस आया, 22-23 में मेरे पास प्रॉफिट था पर मैंने सेट ऑफ नहीं किया, ऐसा ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है. ये अगेन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, राइट. ऐसा नहीं होता, बिकॉज आप जब भी पिछले साल का डेटा उठाते हो, राइट, उसके अंदर में आपको आपका लॉस दिखता है. आप अगर टैक्स यूटिलिटी भी यूज करोगे ना तो उसके अंदर में भी आपको आपका लॉस रिफ्लेक्ट होता है, जिसको आप यूज कर लेते हो. सपोज कर लेते हैं आप भूल गए, आपने मैनुअल रिटर्न भरा, आप भूल गए,
लॉस सेट ऑफ करना। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, आगे के ईयर में भी वो लॉस सेट ऑफ कर देते हो, और एओ ने अगर कोई क्वेश्चन रेज किया तो आप उनको ये बता देते हो दैट द रिटर्न हैज बीन फाइल्ड बाय समबडी एल्स हु फेल्ड टू सेट ऑफ दिस लॉस। और वैसे भी लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो ऐसा कोई लॉ में लिखा ही नहीं है कि नेक्स्ट ईयर ही इमीडिएट सेट ऑफ करना है। ये आपका ऑप्शन है कि आप कर सकते हो। जनरल रूल आप नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर देते हो। यस एक मिनट मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर ऑफ लॉस का मतलब जिस साल लॉस पहली बार अराइज हुआ, ना कि जिस साल पहली बार प्रॉफिट हुआ और बाद में लॉस हुआ। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये नहीं है कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन चालू किया 21-22 में तो प्रॉफिट था, फिर लॉस आया, तो ये फर्स्ट ईयर थोड़ी ना हुआ। फर्स्ट ईयर इंटरप्रिटेशन ये है, फर्स्ट ईयर मीन्स दैट ईयर ऑफ लॉस, जिस साल लॉस पहली बार अराइज हुआ, ना कि ऑर्गेनाइजेशन ने जिस साल लॉस किया। डने जी प्रभु बहुत बढ़िया जी, ब्रेक लेना बनता है या नहीं बनता है? बनता है, टेक अ ब्रेक।
सो फाउंडेशन लिटिल और मुश्किल वाली चीज है। चलो जी, चलेंगे। अच्छा, ओ यस सर, वेलकम आफ्टर द ब्रेक। अब तक हमने क्या किया, हमने नॉर्मल रिटर्न फाइलिंग देखा, हम लोगों ने लॉस रिटर्न देख लिया, अब हम जा रहे हैं बी लेटेड रिटर्न। बी लेटेड रिटर्न, जैसा बी लेटेड हैप्पी बर्थडे होता है वैसा बी लेटेड रिटर्न भी हो जाता है, राइट। कई बार एसएससी रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं कर पाता, उसकी हालत खराब होती है और बेचारा टाइम पे फाइल रिटर्न नहीं कर पाता, तो ऐसे केसेस में वो अपना बी लेटेड रिटर्न सबमिट कर सकता है। बी लेटेड रिटर्न का ड्यू डेट जो था ये पहले अलग था, और फाइनेंस एक्ट 2021 से अमेंडमेंट आया जिसने इस ड्यू डेट को कम कर दिया। यस, बी लेटेड रिटर्न, अगर आप रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं कर पाते, यहाँ पे टाइम लिमिट के दो मतलब है, एक जो सेक्शन 139(1) में लिखा है वो, इनफैक्ट 142(1) भी एक टाइम लिमिट देता है रिटर्न फाइल करने का, नोटिस के अंदर में लिख के आता है कब तक के रिटर्न फाइल करना है, वो भी आप नहीं कर पाए तो भी आप बी लेटेड रिटर्न जरूर सबमिट कर सकते हैं। कब तक सबमिट कर सकते हैं, 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। कैसा बेटा, 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब यहां पे असेसमेंट का मतलब क्या होगा, सोच के देखिए। बी लेटेड रिटर्न मतलब रिटर्न फाइल नहीं हुआ होगा, हो सकता है तब तक के एओ ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ठोक दी, तो यहां पे रिटर्न असेसमेंट का मतलब है 144 विच एवर इज अर्लियर। सो एनी पर्सन हु हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न विद इन द टाइम अलाउड, एनी पर्सन हु हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न विद इन द टाइम अलाउड अंडर 139(1) और 139(4) मे फर्निश हिज बी लेटेड रिटर्न 3 months prior to the end of assessment year or before completion of assessment whichever is earlier। अब 3 months prior to the end of assessment year बोला है, मतलब क्या मैं कह सकता हूं by 31st December? क्या मैं कह सकता हूं by 31st December of assessment year? Assessment year complete होगा 31st मार्च को, उसके 3 months prior मतलब last date बनेगा 31st December। अभी कुछ देर पहले मैं आपसे कह रहा था maximum return can be filed by up to 31st December, July बी लेटेड भी होगा तो 31st December। सोचो उनके लिए कितनी मुश्किल होगी जो ट्रांसफर प्राइसिंग केस वाले होंगे, नवंबर खत्म नहीं किया 31st दिन के अंदर में रिटर्न भर, नहीं तो रिटर्न भरने के जो न रिटर्न भरने के जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो दनादन एप्लीकेबल हो जाएंगे। यस, बताइए क्या लॉस रिटर्न बी लेटेड रिटर्न हो सकता है? नो, क्योंकि लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न टाइम पे फाइल करना जरूरी है। सो लॉस रिटर्न कांड भी बी लेटेड रिटर्न, अदरवाइज लॉस रिटर्न का जो बेनिफिट है वो हट जाएगा, सेट ऑफ का बेनिफिट हट जाएगा। रिटर्न बी लेटेड हो सकता है, चलिए पॉइंट समझते हैं। यहां से लिखिए मेरे साथ सेक्शन 139(4) बी लेटेड रिटर्न, इफ असेसी फेल टू फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) और 142(1), ही कैन फाइल ROI 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। एग्जाम्पल, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 बताओ ड्यू डेट क्या रहेगी अंडर सेक्शन 139(1)? बताइए फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या रहेगी? पागल हो गए हो, 31st जुलाई
2023 139 की ड्यू डेट लिखा है मैडम, का हो गया है आज आपको, यही ड्यू डेट बिलेटेड रिटर्न की कब तक रहेगी? 31 December 2023. गेटिंग इट? सो बिलेटेड रिटर्न कब तक के सबमिट किया जा सकता है? 3 months prior to the end of assessment year. एंड ऑफ असेसमेंट ईयर मतलब 31 मार्च 2023, उसके 3 months prior का डेट यही बनता है 31 December 2023. यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं December is the last date by which you can file your return? Yes? Everybody? Yes or no? चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ठीक है? देखिए लॉ कितना ब्यूटीफुल बनाया गया है. असेसी हैज अ ऑप्शन टू फाइल द रिटर्न ईदर इन जुलाई और ईदर इन डिसंबर. अ रैंडम असेसी व्हाट विल ही चूज? सरकार आपको बोल रही है 31 जुलाई तक के रिटर्न भरो, नहीं भरा कोई बात नहीं बेटा, 31 दिसंबर में भी भर देना, प्रॉब्लम ही नहीं है. कॉमन सेंस के साथ द पर्सन विल चूज 31 दिसंबर. देखो बेटा बात समझ लेना, हम भारत में हैं, भारत में 3 चीजें जितनी लेट हो उतना बेहतर है. पहला लाइबिलिटी का पेमेंट, दूसरा ड्यू डेट, और तीसरा प्यार है या नहीं इसका जवाब देना. ये हमेशा लेट ही होता है, गिवन एन ऑप्शन ये हमेशा लेट ही होगा भारत में. यस, वो होता है ना एक क्यूरोसिटी. सपोज कर लो आपने पहली बार लाइफ में मैसेज डाला, ठीक है, दोस्ती हुई, नंबर एक्सचेंज हुआ, पहली बार किसी को आपने खुद होके पूरी हिम्मत के साथ मैसेज डाला, हलक से ना पानी नहीं उतरता जब तक रिप्लाई ना आ जाए. जब तक रिप्लाई ना आ जाए ना, आदमी हर दो मिनट में वो क्या करता रहेगा मालूम? इतने में इंस्टा बजता है, टिंग. आया. ये जो सिचुएशन, ये क्यूरियोसिटी. तो 3 चीजें भारत में लेट ही होती है बेटा. अगर आपके पास किसी का पैसा है, देने में हमेशा लेट ही होता है, ठीक है, ड्यू डेट हमेशा लेट ही होती है. तो गिवन एन ऑप्शन, कोई भी आदमी बेवकूफ थोड़ी ना जुलाई में रिटर्न भरेगा, ही विल फाइल इन दिसंबर. कॉन्सिक्वेंसेस बता सकते हो बिलेटेड रिटर्न के बिना पड़े? फीस. बिल्कुल परफेक्ट जवाब है. आप भूल गए बिलेटेड रिटर्न का फायदा क्या है बेटा. 234F अप्लाई कर जाएगा. 234F बोलता है कि भैया रिटर्न टाइम पे फाइल करना जरूरी है, नहीं भरा तो क्या लगेगा बेटा? फीस. स्टॉप. रिटर्न फाइल नहीं किया दिसंबर तक फीस लगेगा. इन दिसंबर हो या विदाउट दिसंबर हो, अब तो फर्क ही नहीं पड़ता. यस yes? दूसरा और कुछ लग सकता है? 234A का इंटरेस्ट. परफेक्ट जवाब. ये भी तो अप्लाई होगा. रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया तो 234A भी अप्लाई हो जाए. मतलब सरकार ने ये बेनिफिट डायरेक्ट नहीं दिया है. सरकार बोलती है ठीक है हम तेरे को बिलेटेड देंगे, लेकिन वो होता है ना बिलेटेड, जब भी आप किसी को बर्थडे विश करते हो टॉन्ट तो सुनना ही पड़ता है. बिलेटेड रिटर्न भी भरोगे, इंटरेस्ट और फीस तो लगेगा ही मामा. ओ मामा, इंटरेस्ट और फीस तो लगेगा ही. अच्छा एक मिनट, हो सकता है तब तक के डिपार्टमेंट क्या ले ले, डिपार्टमेंट अपना एक्शन ले ले. ये भी तो पॉसिबिलिटी बनता है ना. डिपार्टमेंट अपना एक्शन ले ले, 142(1) का नोटिस आ जाए. डिपार्टमेंट बोल दे आदमी रिटर्न ही नहीं भरने वाला, चलो प्रोसिक्यूशन चालू करो, है ना. सी पॉसिबिलिटी है डिपार्टमेंट एक्शन की. मतलब ये इजीली अवेलेबल डेट नहीं है, इट कम्स विद अ रिस्ट्रिक्शन. इसी के लिए अब पढ़ो आपको समझ में आएगा. ही वुड बी लाइबल टू, एक मिनट मैम, ही वुड बी लाइबल टू पेनल इंटरेस्ट अंडर 234A अलॉन्ग विद द फीस ऑफ 234F. यानी ये इजीली अवेलेबल ऑप्शन नहीं है बिलेटेड रिटर्न भी भरना. अब बी लेटर रिटर्न क्या ये रिवाइज हो सकता है? बिल्कुल रिवाइज हो सकता है. टाइम लिमिट के अंदर में आप इसको रिवाइज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस yes? अगर रिटर्न बी लेटेड है तो ये सेक्शंस के डिडक्शन आपको नहीं मिल सकते. 10A, 10AB, 80IA to 80IE, ये पार्ट सी वाले डिडक्शन है 80 Chapter 6A के. ये डिडक्शन नहीं मिलेंगे क्योंकि इन सेक्शन में स्पेसिफिकली लिखा है ये डिडक्शन तभी मिलेंगे जब रिटर्न आपने टाइम फाइल किया हो. यस सो अ बी लेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड 3 months prior to the end of assessment year or before completion of assessment, whichever is earlier. But belated return के क्या है? Consequences है. इसी के साथ साथ आप यहाँ पे लिख भी सकते हो consequences of belated return.
बी लेटर रिटर्न के कॉन्सिक्वेंसेज है, 234F अप्लाई कर जाएगा, 234A अप्लाई कर जाएगा, 234F अप्लाई कर जाएगा। एक और कॉन्सिक्वेंसेज है बोलो, लॉस कांट बी कैरिड फॉरवर्ड, ये भी नहीं हो सकता, ऑन टाइम नहीं है तो। डन, चलो बी लेटेड रिटर्न। नेक्स्ट आते हैं रिवाइज रिटर्न, 139 सबसेक्शन 5, रिवाइज रिटर्न। यस, किसी भी रैंकर से पूछोगे वो कहता है बेटा रैंक में आने के लिए 5 बार रिवाइज करना पड़ता है, जो एक आम आदमी के लिए पॉसिबिलिटी के बाहर है। ठीक है, रिवाइज रिटर्न कितने बार रिवाइज करना है बेटा? 5 बार रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न टाइम लिमिट सेम एज बी लेटेड रिटर्न। रिवाइज रिटर्न का जो टाइम लिमिट है बेटा पूरा सेम है एज बी लेटेड रिटर्न। ये हुआ पॉइंट नंबर एक। अब आते हैं पॉइंट नंबर दो के ऊपर। रिवाइज रिटर्न का देश में हमेशा गलत इस्तेमाल होता है। यस, जैसा आप लोग करते हो, क्या करते हो, उठाया 15% होकर आगे बढ़ा दिया, फिर क्लाइंट घूम घाम के ड्यू डेट के बाद आता, उसका सीजन खत्म हो जाता, अब वो आता, या जब उसको लोन लेना रहता तब आता तब आपको दिखता इसमें कैपिटल गेन भी था, अपन ने तो पुराना रिटर्न ठोक दिया, अरे वहां कसम, अब क्या करना है, रिवाइज करना है सर, ये अब आ रहे सर, एक काम कर, ओरिजिनल रिटर्न का 5,000, रिवाइज रिटर्न का 5,000, ठोक 10,000 का भी। समझदारी, अब बात समझ, गंदा है पर धंधा है ये, समझ में आ रही बात, फ्री में कोई काम नहीं होगा। यस, रेगुलर बैच की फीस अलग, फास्ट ट्रैक बैच की फीस अलग, रिविजन, समझ में आई बात, अरे वही करना चाहिए, गलत करते लोग, एक एक यू नो ओरिजिनल रिटर्न का फीस और दोनों अलग अलग फीस चार्ज करो, झक मार करके आएगा नेक्स्ट टाइम पे। हमने हमारे ऑफिस में इंप्लीमेंट किया है, फिर एक दिन एक क्लाइंट आके हमसे झगड़ा भी, बोले सर ये थोड़ी ना कोई बात होती है, आपसे पहले भी हमारे सीए थे बोले, वो तो एक ही फीस चार्ज करते थे। मैंने बोला सर दैट वाज द रीजन आप उनको छोड़ के मेरे पास आए, अप फ्रंट आई सेड दिस टू देम, बोला सर दैट इज द ओनली रीजन आप उनको छोड़ के मेरे पास आए हो, आप उनको छोड़ के मेरे पास आए क्यों सर, वो तो मेरे से सीनियर थे, शायद यू नो टैक्स प्लानिंग में मेरे से ऊपर होंगे, आप सर इसलिए नहीं आए क्योंकि यू नो दे कुड नॉट गिव यू द सोल्यूशन, आई एम गिविंग यू द सोल्यूशन, समझ में आ रही बात। एंड सर आपको ये भरना पड़ेगा, या तो आपको सर आप अपने बच्चे के लिए अगर उतना, मैंने उसको बोला सर बच्चे का स्कूल है जाते हो, जाते हो, हॉस्पिटल है जाते हो, जाते हो, टैक्स कंप्लायंस भी आपकी आपकी एक ड्यूटी आना पड़ेगा, और नहीं तो आपको फीस देना पड़ेगा, और नहीं तो डेटा एटलीस्ट टाइम पे देना पड़ेगा, हम कैलकुलेट करें, हम एक ही काम दो बार कर रहे हैं विथ द सेम फीस। तो कभी आपने देखा है कोई डॉक्टर दो अलग अलग सर्जरी परफॉर्म करता है विथ द सेम फीस? आंसर इज नो, हम भी वही काम कर रहे हैं। तो बोले नहीं ऐसा नहीं होता, आप कुछ कम करो, मैं बोला सर कुछ भी कम नहीं हो सकता, आपको लगता है आप दूसरा सीए देख लो, कोई तकलीफ नहीं है। क्या होता है कई बार कुछ क्लाइंट ऐसे रहते हैं जिनके अक्कड़ के साथ ही धंधा करना पड़ता, जिनको अक्कड़ के साथ ही ट्रीट किया जा सकता है। पहली बात तो ये अपना पूरा गूगल का ज्ञान लेके आते, जिनमें कुछ आता नहीं इनको, कुछ देखे होंगे आपने, कुछ क्लाइंट्स आपने जरूर देखे होंगे अपने को आके और ज्ञान दे रहे, एंड अंदर से वी बी लाइक ये तो मत दे मेरे पास, मेरा ही नहीं संभल रहा, मत दे मेरे को मेरा क्या, अरे भाई मेरे को मेरा इतनी संभल रहा, तो क्यों मेरे को तेरे दे रहा, राइट? अच्छा आप उनको कुछ बोल भी नहीं सकते, इतनी बात करने के चक्कर में अपने टीचर के, अपने यू नो बॉस के फेवरेट रहते हैं ये लोग, क्योंकि बॉस से आके कई लोग बात नहीं करते, और ये लोग सर क्या ऑफिस आपका नॉलेज सर, ये ऐसे रहती है हमारे यू नो हमारे इसमें एक है क्लाइंट है, ठीक है, वो क्लाइंट थोड़ा सा अलग वाला ही है, उसको उसका काम कराने के लिए लड़की आर्टिकल ही चाहिए पता नहीं क्यों, और जिस बच्ची को मैंने उसका क्लाइंट यू नो काम दिया ना, वो बच्ची ने आकर के मेरे पास रोया ही है, सर यार आप कोई भी काम दे दो सर,
मैं एक्स्ट्रा बैठ करके, ये लिचड़ आदमी का काम मेरे को दो ही मत। ऐसे होते अनोइंग क्लाइंट्स होते हैं कुछ, आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा कुछ अनोइंग क्लाइंट्स? अच्छा, कुछ अनोइंग क्लाइंट्स तो इतने डेंजर होते आ करके, उधर उनके लिए नाश्ता मंगा रहे, उधर ही खा रहे, अपने को भूख लग रही है एक्स्ट्रा। अरे ऐसा होता है, अपने को यहाँ पे भूख लगती रहती, बाजू आकर के साले आदमी मजा देना मेरे को भी, तेरा काम कर रहा ना मैं, नहीं चिप्स मंगा करके अकेले खा रहे और उसके साथ में चुचुर चुचुर की आवाज। अल्लाह साहब, अल्लाह जीवन के अंदर में ऐसा लगता है ना, अरे यार बंद पड़े यार ये आदमी, ऐसा होता है। अच्छा कुछ तो इतने गजब, कुछ तो इतने गजब, बाहर जाएंगे चाय पियेंगे सुट्टा मारेंगे आएंगे और पूरा ऑफिस महक रहा है, आपने देखा होगा पूरा ऑफिस में है करा, और उनके बाजू बैठना मतलब एक अलग सरदर्द। कुछ लोग आते वो पान पराग और रजनी गंधा लेकर के, ठीक है वहीं तुम्हारे बैठ करके, या तो वो मसाला उसके फ्लेक्स आपके ऊपर गिर रहे जीवन के अंदर में, बोलो कौ? वो अरे तू ना भाई, ऐसा ऐसा मुंह में सुपारी डाल के बात मत कर भाई मेरे से, आपके साथ भी होता होगा ऐसा, इस तरह की हरकत है। अरे सर दुखता है यार, इन्हें तब भी नहीं समझ में आता, अबे रजनी गंधा के अंदर में गंधा लिखा है फिर भी खा रहे हो, समझ आ रही है बात? रजनी गंधा में गंधा लिखा है फिर भी खाए जा रहे हो, इसी चीज में गंधा लिखा है फिर भी खाए जा रहे हो, यार कमाल करते हो, जीवन है भाई जीवन है, टॉप रिवाइज रिटर्न। खैर लॉ कहता है अगर आपको कोई एरर या ओमिशन दिखता है, अगर आपको कोई एरर या ओमिशन दिखता है तो ही आप रिवाइज करें। हाँ लॉ ने ये नहीं बताया एरर और ओमिशन आपने ही किया है तो करें, पर लॉ इसका गलत इस्तेमाल करता है। जब भी आप इसका आंसर लिखे दो वर्ड आना चाहिए, इफ द असेसी फाइंड्स एनी एरर और ओमिशन इन द रिटर्न फाइल ही कैन फाइल रिवाइज रिटर्न सेम 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। यस एनी पर्सन हैविंग फर्निश्ड आता है इसीलिए सेक्शन जहां जहां भी दिखता है जो जो याद आता है एरो करके लिखते जाने का अपना। यस मैं बोलूं नहीं बोलूं, एक स्टिकी नोट लगा के रखो ऐसा करके लगा देने का उधर, राइट? सो इफ द पर्सन हैविंग फर्निश्ड रिटर्न अंडर 139(1) और 139(4) डिस्कवर्स एनी एरर और रॉन्ग स्टेटमेंट, आना ही चाहिए आंसर के अंदर में एरर और रॉन्ग स्टेटमेंट, देर इन ही मे फर्निश अ रिवाइज रिटर्न बाय 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। बताइए, पेन लीजिए, क्या ओरिजिनल रिटर्न रिवाइज हो सकता है? यस। क्या रिवाइज रिटर्न रिवाइज हो सकता है? यस। क्या बी लेटर रिटर्न रिवाइज हो सकता है? यस। क्या लॉस रिटर्न भी रिवाइज हो सकता है? यस। इनफैक्ट रिवाइज रिटर्न भी रिवाइज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ सवाल है जो आपसे पूछना चाहूंगा, एक रिटर्न कितने बार रिवाइज हो सकता है? नहीं नहीं मैंने पूछा नंबर ऑफ टाइम्स, टाइम लिमिट नहीं, नंबर ऑफ टाइम्स। Can revised return be revised any number of time? Answer is yes. A return can be revised any number of time within the time limit. Time limit के अंदर में आप उस return को 5 बार revise कर दो। हालांकि ऐसा करना मत, तुरंत पकड़े जाओगे assessment में। Yes, हालांकि ऐसा करना मत, but you have right कि आप revise कर सकते हो, right? चलिए बताइए, original return loss return था, original return loss return था, revised return भी loss return है, ये रिटर्न वैलिड रिटर्न है? हाँ या ना? परफेक्ट, बिल्कुल वैलिड रिटर्न है, कोई तकलीफ नहीं। प्रैक्टिकल इश्यू नंबर 2, ओरिजिनल रिटर्न इनकम रिटर्न है, रिवाइज रिटर्न लॉस है, क्या वो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है क्या? मेरी बात बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ओरिजिनल रिटर्न रिवाइज रिटर्न, लॉस रिटर्न फाइल किया, सॉरी ओरिजिनल रिटर्न इनकम वाला, रिवाइज रिटर्न लॉस वाला, अब ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है क्या? मैडम तो कह रही है यस, आप कह रहे हैं नो, दीजिए उनको जवाब, अपोनेंट है जवाब दो उधर देख के,
उधर देख के जवाब दो, डर रहे हो, महिलाओं से डरते हो, एओ महिला आ गई तो क्या करोगे, दो जवाब। मैडम पॉइंट बी नोटेड, लॉस रिटर्न अगर फाइल करना है तो टाइम पे फाइल करना होगा, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। ओरिजिनल तो टाइम पे फाइल हुआ ना, हाँ, पर सपोज ओरिजिनल रिटर्न अगर रिवाइज होता, ओरिजिनल रिटर्न अगर लॉस होता, तब तो आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ता। दो जवाब। हाँ, तो ओरिजिनल रिटर्न आपका क्या हुआ, इनकम वाला था, रिवाइज रिटर्न आपका लॉस वाला है, क्या ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है क्या? अगर ओरिजिनल रिटर्न टाइम पे फाइल हुआ होगा तो यस, अगर ओरिजिनल रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं हुआ होगा तो नो, शी वॉन द केस, उन्होंने दोनों ऑप्शन ओपन रखे। समझ में आ रही बात? अगर ओरिजिनल रिटर्न टाइम पे फाइल हुआ होगा तो यस, अगर ओरिजिनल रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं हुआ होगा तो नो। ओरिजिनल रिटर्न लॉस रिटर्न था, रिवाइज रिटर्न इनकम रिटर्न है, क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है इसमें भी। गेटिंग? सेक्शन 139(5) रिवाइज रिटर्न, इफ असेसी फाइंड्स एरर और ओमिशन इन रिटर्न फाइल्ड, then he can file revised return, point number one, 3 months prior to the end of assessment year or before completion of assessment whichever is earlier, डन। बहुत वधिया। एक और सवाल बताइए, कैन अ रिटर्न बी रिवाइज एनी नंबर ऑफ टाइम? यस, और रिटर्न कैन बी रिवाइज फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम within the due date, बताइए। मैंने ओरिजिनल रिटर्न भरा, मैंने रिवाइज रिटर्न भी भरा, मैंने ओरिजिनल रिटर्न भरा, मैंने रिवाइज रिटर्न भी भरा, एओ असेसमेंट कौन से बेसिस पे करेगा, ओरिजिनल रिटर्न या रिवाइज रिटर्न? रिवाइज रिटर्न, पर ये कहीं लिखा नहीं था, क्योंकि आप 139(5) को पढ़ोगे तो लॉ इतने पे खत्म है, ये कहीं लिखा नहीं है। अब केस लॉ आया, देयर वाज अ केस लॉ जो कहता था कि भैया ओरिजिनल रिटर्न का अगर आपने रिवाइज रिटर्न कर दिया, रिवाइज रिटर्न विल स्टेप इन द शूज ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, द मोमेंट आपने रिवाइज रिटर्न भरा, ओरिजिनल रिटर्न क्या हो जाता है, क्वैश। एज पर जजमेंट
रिवाइज रिटर्न विल स्टेप इन द शूज ऑफ ओरिजिनल रिटर्न हेंस फॉर असेसमेंट एओ नीड टू कंसिडर रिवाइज रिटर्न इफ एनी फाइल्ड रिवाइज रिटर्न इफ एनी फाइल्ड डन चलो जी डन है सरकार आइए वापस यू मैन चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे 139.9 कैन बी अवॉइडेड वाले सेक्शन 139.9 पेज नंबर 4 इस सेक्शन को कंप्लीट करते ही हमारे पेज नंबर 1, 2, 3, 4 चारों कंप्लीट हो जाएंगे यस डिफेक्टिव रिटर्न देखिए क्या होता है जब आप रिटर्न सबमिट करते हैं और ये रिटर्न समरी असेसमेंट के लिए जाता है 143.1 तो ऐसे केस में अगर रिटर्न के अंदर में कोई डिफेक्ट होता है तो वो डिफेक्ट तुरंत इमीडिएटली क्या किया जाता है कम्युनिकेट किया जाता है बाय वे ऑफ ईमेल आज के तारीख में राइट अब ये डिफेक्ट का मतलब क्या होता है मान लीजिए कोई कॉलम था फिल नहीं किया कोई एनेक्स्चर था फिल नहीं हुआ कोई डिडक्शन अलाउ नहीं था आपने क्लेम कर लिया एटसेट्रा एटसेट्रा राइट सो ऐसे केस में अगर आपका रिटर्न डिफेक्टिव है वैसे 99.9% आज रिटर्न डिफेक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम रिटर्न जो भरे जाते हैं सॉफ्टवेयर में भरे जाते हैं द मोमेंट आप सॉफ्टवेयर के अंदर में कोई यू नो डिटेल्स डालते हो कुछ उसमें अगर गलत होगा तो बाय डिफॉल्ट में वो पॉपअप रेज कर देता है बट स्टिल कुछ जगह ऐसी है जहां पे आप यू नो क्या नहीं कर सकते कोई हेल्प नहीं कर सकते डिफेक्टिव होने में फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका नाम है VIJAY अब जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाल रहे हो नाम तो आप मैन्युअली डालते हो या फिर हो सकता है वो डेटाबेस से भी वो भी ले ले डेटाबेस से भी ले लिया तो इशू खत्म हो गया पर अगर मान लीजिए आप ऐसा यूटिलिटी यूज कर रहे हैं जिसमें नाम आप मैनुअल डाल रहे हैं तो हो सकता है लिखते वक्त नाम की गलती हो जाए या अदर कोई मिस्टेक हो जाए डिडक्शन लेते वक्त अगर कोई डिफेक्ट है डिपार्टमेंट क्या करता है आपको कम्युनिकेट करता है राइट ईमेल के थ्रू आपको कम्युनिकेट करता है और हाल फिलहाल में तो खैर मैसेज भी आ जाता है योर रिटर्न हैज बीन फाउंड डिफेक्टिव दिस इज द लिंक काइंडली गो एंड रेक्टिफाई द डिफेक्ट यस अब ऐसे केसेस के अंदर में क्या होता है जरा ध्यान से सुनिएगा ऐसे केसेस के अंदर में भाई साहब आपको डिपार्टमेंट कम्युनिकेट करता है और आपको एक टाइम लिमिट देता है जनरल टाइम लिमिट 15 डेज कैन दिस टाइम लिमिट बी एक्सटेंडेड यस बाय डिपार्टमेंट यस तो आपको एक टाइम लिमिट मिलता है 15 डेज जिसमें आप अपना इस डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर सकते हो दो ऑप्शन होंगे या तो आपने डिफेक्ट रेक्टिफाई किया या तो आपने डिफेक्ट रेक्टिफाई नहीं किया अगर आपने डिफेक्ट रेक्टिफाई किया तो जो रिटर्न आपने भरा था उसको वैलिड रिटर्न कंसिडर किया जाता है और आगे की प्रोसेसिंग कंटिन्यू हो जाती है पर अगर आपने डिफेक्ट को रेक्टिफाई नहीं किया विद इन द टाइम अलाउड और विद इन द टाइम एक्सटेंडेड तो ऐसे केस में यह मान लिया जाता है आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं और रिटर्न फाइल न करने पे 234A 234F प्रोसिक्यूशन लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता वाले जितने कॉन्सिक्वेंसेस है सब एप्लीकेबल क्लियर इफ एओ फाइंड्स एनी डिफेक्ट इन रिटर्न फाइल्ड बाय द असेसी इफ एओ फाइंड्स एनी डिफेक्ट इन द रिटर्न फाइल्ड बाय द असेसी ही शैल कम्युनिकेट सच डिफेक्ट टू द असेसी एंड देयर अपॉन अपॉन का स्पेलिंग गलत है भाई साहब यहां पे प्लीज इसे रेक्टिफाई कीजिए देयर अपॉन असेसी इज रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड जनरली 15 डेज और एक्सटेंडेड पीरियड इज ऑल्सो अलाउड दो बातें होंगी इफ डिफेक्ट इज रेक्टिफाइड डिफेक्ट नॉट रेक्टिफाइड इफ डिफेक्ट इज रेक्टिफाइड रिटर्न विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड रिटर्न रिटर्न विल बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड अगर ये डिफेक्ट आपने क्या नहीं किया रेक्टिफाई नहीं किया दिल ने मेरा आस्क यू दिस क्वेश्चन क्यों क्योंकि 99% ऑफ द टाइम अब ये डिफेक्ट आती ही नहीं बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर पहले आते थे अब नहीं आते ओ या चलो जी बहुत बढ़िया
सेकेंड लास्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं हम लोग, सेक्शन 140। सेकेंड लास्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं, सेक्शन 140। एक सेक्शन आपका अभी भी बाकी रहेगा, कौन सा बेटा? अपडेटेड रिटर्न वाला। पेज नंबर 5 अगर आप देखोगे तो ये सेक्शन अभी भी हमारा बाकी है। दिस इज द न्यूएस्ट अमेंडमेंट और इसको मैं बाद में लेने वाला हूं इस सेक्शन के बाद। सेक्शन 140, हु शैल वेरीफाई द रिटर्न? गॉड ओनली नोज अब तक ये आपकी किताबों में पढ़ा क्यों है या इनकम टैक्स में अब तक ये पढ़ा क्यों है, ये सेक्शन का कोई रेलेवेंस नहीं। सर रीजन बीइंग, देखिए सेक्शन को लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था? पहले एसएससी क्या करता था, रिटर्न फाइल कर देता था। रिटर्न में अगर कुछ गलती रहती थी या इनकम कम दिखाते थे तो ऐसे केस में एसएससी मुकर जाता था, ये मेरा रिटर्न नहीं है। डिपार्टमेंट बोलता था ये तो तूने ही भेजा हुआ है। उसने बोला सर किसने? डिपार्टमेंट बोलता था ये तेरे तरफ से ही तो सबमिटेड है। एसएससी बोलता था नहीं, कहीं दिख रहा है ये मेरी साइन है इसमें? तो इस कंसेप्ट के लिए लाया गया था ये सेक्शन कि भैया रिटर्न जब भी आप सबमिट करेंगे आप उसके ऊपर साइन करेंगे ये एक्नॉलेज करते हुए कि इसमें जो भी डिटेल दी है वो सही है, करेक्ट है। इसलिए इनकम टैक्स ने ये सेक्शन को लाया था। समय बदला, वक्त बदला, हम बदले, वो बदले, बराबर है। जब सब बदले तो एक इशू और अराइज हुआ, जब सब बदले तब एक इशू और अराइज हुआ, रिटर्न जो थे अब वेरीफाई होने लग गए ऑनलाइन। समय बदलते बदलते आप ऑनलाइन सबमिट करने लग गए, फिर डीएससी का जमाना आया, डीएससी सबमिट होने लग गए। अब तो खैर डीएससी भी वेस्ट हो गए। यस, आजकल आधार बेस्ड ओटीपी हो गए। पहले तो क्या था, डीएससी से भी 500,000 रुपए बन जाते थे ऑफिस में, बराबर है। कितने की डीएससी आती थी और कितने में चिपकाई जाती थी आप सबको पता है। और होता कुछ नहीं था, एक जामुनी कलर का पेन ड्राइव, नीले कलर का पेन ड्राइव, हम सबको पता था, ठीक है। समय के साथ साथ खैर वो भी अब आउटडेटेड हो गया। आज सारे के सारे रिटर्न आधार बेस्ड ओटीपी पे वेरीफाई होने लग गए, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू वेरीफाई होने लग गए, और शायद मेरे को चलता है आगे चल के तो शायद यू नो मोबाइल बेस्ड ओटीपी पे भी ये वेरीफाई हो जाए, राइट। पहले ये बहुत मैटर करता था रिटर्न कौन वेरीफाई कर रहा है, अब तो क्या फर्क पड़ता है। आपके पास ओटीपी है, आप क्या करते हो आज के दिन? ओटीपी क्लाइंट को ही जाता है, आप उसको फोन करते हो सर ओटीपी। बहुत सारे केसेस में तो एओन यू नो आपने अपना ही नंबर डाला हुआ होता है भाई साहब। 99% केसेस में आज क्या होता है, आर्टिकल अपना ही नंबर डाल देता है रिटर्न फाइल करते वक्त, ताकि ओटीपी आए और तुरंत आप डाल दे। क्लाइंट बोलता है सर मेरा नंबर नहीं लगता। सर आपको कुछ लगे तो मेरे को बोलो, ठीक है। कौन आपको कॉल करते बैठेगा, यानी ये नंबर व्यस्त है और इधर रिटर्न सबमिशन नहीं हो रहे। आप मैं सुबह आपको कॉल किया, आप रात में रिप्लाई करेंगे मेरे को, ठीक है। होता है नहीं होता है? आप लोग क्या करते हो, आप लोग अपने ही नंबर डालते हो रिटर्न फाइल करते हो, क्या करते हो? नहीं, किसका डालते हो? क्लाइंट का डाल रहे हो, क्लाइंट का। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ जब रिटर्न सबमिट करते वक्त आप डालते, आधार है तो ऑब्वियसली उसका ही जाना है, आपका तो जाना ही नहीं है। आधार है तो उसका ही जाना है, तब तो क्वेश्चन ही खत्म है। आप क्या करते थे, अपना रिटर्न डालते थे किसी भी तरह के कम्युनिकेशन के लिए? ऑफिस का ही कॉमन नंबर, एक नंबर। नहीं नहीं, ये होता था, बट खैर अगर मैं बात करूं आज इस सेक्शन का कंप्लायंस कुछ बचानी है, क्योंकि कौन वेरीफाई करता है रिटर्न? रिटर्न आजकल वेरीफाई ऑनलाइन होने लग गए, पर लॉ कहता है कि कौन वेरीफाई करना चाहिए, किसने वेरीफाई करना चाहिए। क्योंकि देखिए इंडिविजुअल के लिए ये रिलेवेंट होना हो, कंपनीज के लिए ये रिलेवेंट बनता है कि भैया कौन वेरीफाई करेगा, क्योंकि कंपनी के जो पावर्स होते हैं, ट्रस्ट के केस में ट्रस्टी के जो पावर्स होते हैं, यू नो पॉलिटिकल पार्टी के केस में पॉलिटिकल पार्टीज के जो पावर होते हैं, ये सारी चीजें रिलेवेंट बनती है। तो हु विल वेरीफाई द रिटर्न, सिग्नेचर कौन करेगा, वेरीफाई कौन करेगा इंडिविजुअल के केस में? अगर इंडिविजुअल इंडिया में प्रेजेंट है तो वो खुद ही करेगा, अगर वो इंडिया में प्रेजेंट नहीं है तो उसके द्वारा जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होगा वो इस रिटर्न को साइन करेगा। सपोज अगर असेसी मेंटली इनकैपेसिटेटेड है तो जो भी कंपीटेंट पर्सन उसके बिहाफ पे लीगल गार्डियन अपॉइंट किया गया होगा वो करेगा। इन एनी अदर केस कोई ऑथराइज पर्सन होगा वो करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए असेसी बहुत सीनियर सिटीजन है एंड ही कुड नॉट साइन और यू नो ही डज नॉट हैव हैंड, तो ऐसे केस में वो ऑथराइज कर देता है, तो ऑथराइज पर्सन विल वेरीफाई द रिटर्न। एचयूएफ के केस में जनरली कर्ता विल वेरीफाई द रिटर्न। इफ कर्ता इज एबसेंट और मेंटली इनकैपेसिटेटेड एनी अदर एडल्ट मेंबर कैन वेरीफाई द रिटर्न। कंपनी के केस में जनरल रूल मैनेजिंग डायरेक्टर विल वेरीफाई द रिटर्न। इफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज नॉट एबल टू साइन और इज नॉट इन इंडिया और देर इज नो एमडी, एनी अदर डायरेक्टर और प्रिस्क्राइब पर्सन, ये प्रिस्क्राइब पर्सन भी एडेड है याद रखना, एनी अदर प्रिस्क्राइब पर्सन, क्योंकि हो सकता है कंपनी के मैनेजर को ये पावर दे दिए जाए, रिजोल्यूशन पास करके किसी थर्ड पार्टी को ये ऑर्डर दे दिया जाए कंपनी के केस में,
तो ही कैन वेरीफाई द रिटर्न. कंपनी इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, तो जो भी इंडिया में उसका वैलिड पावर ऑफ अटर्नी होल्डर होगा, लेट से फॉरेन कंपनी के केस में, इंडिया में किसी ना किसी पर्सन को असाइन किया जाता है वो. अगर कंपनी लिक्विडेशन में है तो लिक्विडेटर विल साइन द रिटर्न एंड मैनेजमेंट इज टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट. अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर में या अदर केस में मैनेजमेंट क्या किया जाता है, गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है. तो जो भी फिर प्रिंसिपल ऑफिसर होगा उधर का, वो क्या करेगा, रिटर्न वेरीफाई करेगा. एलएलपी के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो एनी अदर पार्टनर एज मे बी प्रिस्क्राइब. यस, क्योंकि यहां पे भी रिजोल्यूशन लो करके हो सकता है. लोकल अथॉरिटी के केस में जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर रहेगा ही विल वेरीफाई द रिटर्न. पॉलिटिकल पार्टी के केस में सीईओ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हैज टू वेरीफाई द रिटर्न. एओपी बीओआई के केस में कोई भी मेंबर या प्रिंसिपल ऑफिसर रिटर्न सबमिट कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है. इसके केस एनी अदर पर्सन, जो भी पर्सन कंपिटेंट होगा ऑन दैट बिहाफ रिटर्न फाइल कर सकता है. अगर आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर में आते हैं तो जो आपका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट किया गया है वो आपका रिटर्न वेरीफाई करेगा. एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, एक ये और तीसरा ये, वो भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा तो पूछा, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा तो पूछा, अदरवाइज वो भी नहीं पूछेगा. डन. एक बार गो थ्रू कर लीजिए, एक बार गो थ्रू कर लीजिए, सारा कंप्लीट हो चुका है एक्सेप्ट 139(8)(a). क्वेश्चन नंबर टू आप सभी के लिए आज का होमवर्क. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा आपका इंटर का नॉलेज होना जरूरी है, बट मैं ये चैलेंज बोल करके आपको देता हूं, ट्राई कीजिए, नहीं तो हम तो है ही. डन. केस लॉज मैं अभी थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा सेक्शन कंप्लीट होने के बाद. वैसे दो केस लॉ आप मेरे साथ अभी भी पढ़ सकते हो, जैसे गोविंद नागर शुगर मिल्स का केस आप अभी भी पढ़ सकते हो मेरे साथ. कैन अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन बी क्लेम्ड इवन इफ नॉट रिटर्न फाइल्ड, यस ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये मैडम आपका केस जो मैं कह रहा था कि आपका केस हाइपोथेटिकल है, महालक्ष्मी शुगर मिल, अगर एसएससी का लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा है तो इज एओ बाउंड टू अलाउ सेट ऑफ ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस इवन इफ एसएससी हैज नॉट क्लेम्ड, आंसर इज यस. इसीलिए मैंने कहा था कि आपका ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है, क्योंकि एओ की ड्यूटी ही है वो बाय डिफॉल्ट में आएगा, और वैसे भी आप यूटिलिटी डालोगे तो वो सेट ऑफ करेगा ही करेगा. गॉड्स इंडिया, यहां पे सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट डाल के रख दीजिए, ये केस लॉ है जिसका नाम याद होना चाहिए. ठीक है, केस में क्या हुआ था चलो डिस्कस कर ही लेते हैं, फिर नए सेक्शन पे जाते हैं. अब आए हैं तो केस कर लेते हैं. देखिए हुआ क्या, असेसी फाइल्ड अ रिटर्न ऑन टाइम. ठीक है, इस रिटर्न के अंदर में कुछ डिडक्शन और एग्जम्पशन भाई क्लेम करना भूल गया, बराबर है. लेटर ऑन भाई ने क्या किया, एओ को एक प्यारी सी चिट्ठी लिखी, मेरे प्रिय एओ आप बहुत अच्छे हैं, मैंने ये रिटर्न इस दिन सबमिट किया था एंड मैं कुछ डिडक्शन क्लेम करना भूल गया हूं, आपसे विनती है जब आप मेरा असेसमेंट करें ये मुझे डिडक्शन अलाउ कर दे, मैं क्लेम करना भूल गया हूं प्लीज अलाउ कर दे. आपका अपना, कुछ लगे तो जरूर बताना, बराबर. अब इश्यू समझिए क्या है, असेसी ने रिटर्न फाइल किया लेकिन रिटर्न में डिडक्शन क्लेम करना चाहिए था नहीं किया, उसने फिर एक लेटर या स्टेटमेंट बनाया और एओ को लेटर भेज दिया. एओ ने असेसमेंट किया और असेसमेंट में इस लेटर को 1% भी भाव नहीं दिया, बुरा लग गया, थाला हम तुमसे प्यार से बात कर रहे हैं, तू प्यार से बात कर रहे हैं, बहुत होशियारी आ रही है कबे. ये इसने फाइल कर दिया केस, इसने कहा जब मैंने आपको बाकायदा लेटर लिख करके बोला था ये डिडक्शन क्लेम करना है, आपने क्यों नहीं दिया ये डिडक्शन, रिक्वेस्ट की थी, विनती की थी, पार्ले में भी मैं जी नहीं लगा था आप में लगाया था, फिर भी नहीं सुने आप, भूल रहे हो मिर्जापुर में हो. उसने कहा सर देयर इज अ प्रोसेस टू कंप्लीट दिस ओमिशन थिंग, अगर आपसे कुछ ओमिट हो भी गया था आप रिवाइज रिटर्न करते, अबे हमको सिखाओगे तुम, रिवाइज कर लेते, लेटर दिए ना एक ही तो मतलब है. एओ
नहीं सर आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, देर इज अ प्रोसेस, ऑफिस का एक प्रोसेस होता है, आपने रिवाइज रिटर्न सबमिट कर लेना चाहिए था। ये लेटर वेटर मेरे अथॉरिटी के ही बाहर है, ऐसा मुझे कभी ट्रेनिंग में नहीं बताया गया लेटर लो। कितों के लेटर लू मैं बता रहे हैं, बहुत बात कर रहा है ये बेटा, समझा रहे हैं तुमको, चुपचाप तुमने करना चाहिए था। बताइए क्या सही लगता है दोनों डिस्कशन में, आस एस या एओ? मेक सेंस एओ? अगर आपको कोई एरर या ओमिशन भी हुआ है, देर इज अ प्रोसेस रिवाइज रिटर्न। फ्रेश क्लेम कैन नॉट बी मेड बाय फाइलिंग अ स्टेटमेंट और अ लेटर। प्लीज इट, कैन अ फ्रेश क्लेम बिफोर एओ बी मेड बाय फाइलिंग अ स्टेटमेंट और अ लेटर? No, a fresh claim AO can be made only by filing a revised return. But a fresh claim before CIT appeal without filing a revised return is possible. A fresh claim before ITAT without filing a revised return is possible. इसको सिर्फ स्टार मार्क करके रख दीजिए, समय आने पे आपको बताऊंगा। हाल फिलहाल में ना आपको CIT appeal समझता है ना ITAT समझता है, बस डाल दीजिए। आंसर इतना समझ लीजिए, गॉड्स इंडिया का केस है, गॉड्स इंडिया कहता है कि भैया फ्रेश क्लेम अगर करना है रिवाइज रिटर्न फाइल करो, रिवाइज रिटर्न के बगैर ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बराबर है? चलिए एवरीबॉडी प्लीज कम टू पेज नंबर 3.4, एवरीबॉडी प्लीज कम टू पेज नंबर 3.4। मार्क दिस कंसेप्ट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से आपके अटेम्प्ट के लिए अगर कुछ पढ़ने जाओगे, 23 अटेम्प्ट के लिए अगर कुछ पढ़ने जाओगे, और कुछ पढ़ो ना पढ़ो ये जरूर पढ़ के जाना। दो पेज का सेक्शन है, ठीक है, दो पेज का सेक्शन है, टोटली ब्रॉट इन बाय फाइनेंस एक्ट 2022, अ न्यू कंसेप्ट कॉल्ड एज अपडेटेड रिटर्न। बराबर है, एक नया कंसेप्ट लाया है अपडेटेड रिटर्न नाम का। इस कंसेप्ट को समझने से पहले, पढ़ने से पहले, मैं चाहूंगा आप प्लीज एक बार बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न को याद करें। नहीं याद आ रहा, किताबों में जाके देखें। अपडेटेड रिटर्न को पढ़ने से पहले आपको बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न को पढ़ना और समझना दोनों जरूरी है। करो, जल्दी करो। डन, बताइए क्या तकलीफ है, प्रैक्टिकल इशू क्या है आज? अब सिर्फ ड्यू डेट पे फोकस करना। बी लेटर रिटर्न और रिवाइज रिटर्न का टाइम लिमिट को क्या कर दिया है, रिड्यूस। रिड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव क्या था, ताकि असेसमेंट बहुत जल्दी हो जाए। लेकिन आप सोच करके देखिए, कुछ लोगों के साथ ये इनजस्टिस भी है, जेन्युइन हार्डशिप है। अक्टूबर के अंदर में रिटर्न भरा, ठीक है, या फॉर दैट मैटर टीपी का रिटर्न कहां भरा, नवंबर के अंदर में भरा। यू जस्ट गेट वन मंथ टू फाइंड, रेक्टिफाई द डिफेक्ट, एल्स यू लॉस्ट योर राइट टू रेक्टिफाई इट। इवन इफ यू हैव जेन्युइन इशू, कुछ डिडक्शन लेने बच गए, कुछ एग्जम्पशन लेने बच गए, कुछ और यू नो क्लेम करना बच गया, सब आपको आइडेंटिफाई करना है विद इन वन मंथ ओनली। दिस इज अ प्योर जेन्युइन हार्डशिप टू द टैक्स पेयर। कैसे जेन्युइन हार्डशिप है आप अंडरस्टैंड करके देखिए, इट्स अ प्योर जेन्युइन हार्डशिप। अगर समझ लीजिए मैं एक कंपनी हूं, अपार्ट फ्रॉम टैक्स ऑडिट इन 31st October, आई ऑल्सो हैव टू फाइनलाइज माई अकाउंट्स, आई ऑल्सो हैव टू डू TDS, TCS कंप्लायंस एंड वॉट नॉट। मुझे और भी अदर कंप्लायंसेज है जो अदर लॉ के अंदर में एप्लीकेबल है। अब आप मुझे कह रहे हैं एक महीने के अंदर में रेक्टिफाई भी कर लो, ढूंढ भी लो, सबमिट भी कर लो, नहीं किया तो तुम्हारा राइट ही लॉस्ट हो गया। तो क्यों ही ये राइट दे रहे थे मेरे को, ये राइट मुझे दिया ही क्यों? आई लाइक यू एज अ फ्रेंड करने के लिए,
नहीं आप बताइए ना मुझे, क्या आपने मेरे को एक महीने का टाइम दिया, एक महीने में क्या सब पता चलता है, एक महीने में क्या पता चलता है साहब? कई लोग तो अरेंज मैरिज को भी क्वेश्चन कर लेते, 5 मिनट की मीट के अंदर में क्या समझे जीवन भर इसके साथ गुजारना, 5 मिनट में उसको क्या समझेंगे और मेरे को क्या समझेगा? मेरी आदत है उसको नहीं समझने वाली, उसका तो मेरे को समझने ही नहीं वाला कुछ। अरेंज मैरिज कम्स विथ इट्स ओन इश्यूज। देख अपना लव मैरिज है इसके लिए इतनी होशियारियां मार रहे अपन और कुछ नहीं। बट एक्चुअली जेन्युइनली लव मैरिज करने से पहले मैंने खुद को यही थॉट दिया कि अरेंज मैरिज कितना डिफिकल्ट होता होगा। हाउ यू कैन जज अ पर्सन फ्रॉम 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट डिस्कशन? शायद मैंने की नहीं इसलिए मेरे को पता ना हो, ऐसा भी हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको एनकरेज कर रहा हूँ लव मैरिज करने के लिए। नहीं सर आप करो, नहीं यू प्लीज डू इट। नहीं नहीं देखिए, मैं मेरा ओपिनियन अलग है, मैं लव मैरिज वाला हूँ तो मेरा ओपिनियन अलग है। मैं हमेशा कहूँगा भैया लव मैरिज करो, ठीक है, मैं कहूँगा, आपका पता नहीं, मैं ये जरूर कहूँगा कि भैया करो। रीजन मीनिंग क्या है, आप और सामने वाला दोनों एक दूसरे के हिसाब से तब तक के सेट हो चुके होते हो, ठीक है, एक दूसरे की तकलीफ प्रॉब्लम इश्यूज पता हो चुके हैं। बाद में चल के एक एक राज खुलना और समझना कि धोखा हुआ है, इससे कभी भी बेटर है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं इसको आपके ऊपर नहीं थोपता, ठीक है। दूसरी बात, इसमें दुनिया भर के लफड़े भी आ सकते हैं, मेरे केस में आए थे, कम आए थे पर आए थे, आपके केस में हो सकता है बहुत बड़े ही हो। यस, मेरे एक दोस्त के केस में तो बहुत ही अलग है, आज भी, और दोनों बंदे टिके हुए हैं, ठीक है। लड़का है प्योर जैन, लड़की प्योर मुस्लिम, आप समझ रहे हो इशू। हाइट, बोथ ऑफ देम आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, बोथ ऑफ देम आर वर्किंग इन गुड फर्म्स, अर्निंग वेल, दोनों की फैमिली मान नहीं रही और दोनों अड़ गए, करना है तो इससे करना है नहीं तो नहीं करना है। बताइए साहब, मतलब मेरे को कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये कास्ट नाम का सिस्टम बनाया किसने? मेरे को आता है, हो सकता है मैं गलत हूं, बट यार पैदा होते वक्त हमारे को ये कंसेप्ट नहीं समझता है भाई, और प्यार होते वक्त तो डेफिनेटली नहीं समझता है। आप के किसी का कास्ट पूछ करके प्यार कर दो, किसी को देखा पसंद आया खत्म हो गया विषय, अब ये कास्ट पूछोगे क्या? नहीं नहीं देख पाए, अपन पहले क्लियर कर लेते तेरा कास्ट क्या है, फिर अपन लव करेंगे, ठीक है। ऐसा थोड़ा डिस्कशन होता है यार कुछ। खैर, एवरीवन नीड्स टू बी अपडेटेड, अपडेटेड रिटर्न। हाँ, पहला सवाल आकाश पूछ रहा है, सर नवंबर 22 के लिए क्या ये रिलेवेंट है क्या? आंसर इज नो। वैसे इस सेक्शन का एक्चुअल पार्ट है 139(8)A, इसीलिए इसको रादर 139(8) बोलिए या 139(8)A बोलिए, बात वही होने वाली है। अपडेटेड रिटर्न क्यों लाया गया? अपडेटेड रिटर्न को लाने के पीछे का कॉन्सेप्ट ये था मेरे भाई, अपडेटेड रिटर्न को लाने के पीछे का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप आज रिवाइज रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न का टाइम लिमिट देखोगे तो जेन्युइनली ये टाइम लिमिट बहुत कम है, एंड इट मे कॉज अ अननेसेसरी हार्डशिप टू द टैक्स पेयर। सो इन ऑर्डर टू अपडेट हिज रिटर्न, अ राइट हैज बीन गिवन टू एनी पर्सन मे फाइल इज अपडेटेड रिटर्न विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। जो भी रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है वहां से 2 साल तक का टाइम लिमिट दिया है कि आप क्या करो, अपडेटेड रिटर्न सबमिट करो। जब आप अपना रिटर्न अपडेट करेंगे तो जो भी आपका एडिशनल टैक्स पेबल आ रहा होगा उस एडिशनल टैक्स को अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, आपको एक टैक्स रेट दिया है, ये टैक्स रेट पे कर दो और आप अपने रिटर्न को अपडेट कर दो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जेन्युइन हार्डशिप हुई है, या बाद में चल के आपको समझ में आता है कि यार मेरे रिटर्न में कुछ चीजें करनी रह गई, तो सरकार बोलती है कोई बात नहीं, आपको हम 2 साल का टाइम देते हैं फ्रॉम द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल, इफ द असेसमेंट ईयर इज 22-23, यानी 23 इज द लास्ट डेट, 31 मार्च 2023, वहां से और 2 साल 31 मार्च 2025 तक के आपके पास टाइम है कि आप अपडेटेड रिटर्न सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अपडेटेड रिटर्न के कंडीशंस बड़े सिंपल है। पॉइंट नंबर पहला कि आप जब अपडेटेड रिटर्न भरेंगे, जो भी आपका डिफरेंशियल टैक्स आ रहा होगा, इस डिफरेंशियल टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट को आप क्या कर दो, पे कर दो और अपडेटेड रिटर्न सबमिट कर दो। यस सर, लेकिन साथ साथ में कई इश्यूज भी थे इसको, जिसको लॉ ने बहुत हद तक क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। कुछ केसेस में अपडेटेड रिटर्न सबमिट नहीं हो पाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका असेसमेंट चल रहा होगा तो, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन आपके मन में ये आया होगा कि सर 2 साल के अंदर में उसका असेसमेंट हो गया होगा तो अपडेटेड अब फाइल कर सकता है क्या? आंसर इज नो। देर इज अ क्लियर लिस्ट ऑफ द केसेस वेयर अपडेटेड रिटर्न कांट बी सबमिटेड।
अपडेटेड रिटर्न कान भी सबमिटेड की जो लिस्ट है ये सेक्शन से ज्यादा बड़ी है, चेक करो. देर आर 10 आइटम 10 सिचुएशन इन विच अपडेटेड रिटर्न कान भी सबमिटेड. यस, सर्च एंड सीजर हो गया, अपडेटेड रिटर्न कान भी सबमिटेड, राइट. आप मान लीजिए आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन की प्रोविजंस ला दी गई है डिपार्टमेंट द्वारा, आप अपडेटेड रिटर्न साइन नहीं कर सकते. सो अपडेटेड रिटर्न जेन्युइन केस में ही क्या किया गया है, अलाउ किया गया है. एक और बात, अगर आप अपडेटेड रिटर्न लॉस रिटर्न भरने जा रहे हैं तब भी ये परमिटेड नहीं है. इन शॉर्ट, अपडेटेड रिटर्न आप सिर्फ अपने एडिशनल टैक्स पे करने के लिए कर सकते हैं, आप लॉस बढ़ाने के लिए या रिफंड दिखाने के लिए अपडेट नहीं कर सकते रिटर्न. मतलब टेक्निकली क्या मैं कह सकता हूं, सेक्शन इज फेवरिंग टू द डिपार्टमेंट ओनली, सेक्शन इज फेवरिंग टू डिपार्टमेंट ओनली. अगर मेरा टैक्स पेएबल आ रहा होगा तो ही मैं अपडेटेड रिटर्न भर सकता हूं. अगर आप सेक्शन को इंटरप्रीट करेंगे, अगर आप लॉस दिखा रहे होंगे अपने रिटर्न में या लॉस बढ़ा करके दिखा रहे होंगे अपडेटेड रिटर्न में, आप अपडेटेड रिटर्न सबमिट ही नहीं कर सकते. एक सवाल जो आपके मन में कूद कूद के आ रहा है उसको यहीं रोक दूं. आपने अगर पहले रिटर्न सबमिट नहीं किया, आप उस असेसमेंट ईयर के लिए डायरेक्ट अपडेटेड रिटर्न भी सबमिट कर सकते हो. आप डायरेक्ट अपडेटेड रिटर्न भी सबमिट कर सकते हो. आपने पहले रिटर्न सबमिट किया है, आप वापस अपडेटेड रिटर्न सबमिट कर सकते हो. वापस बोलो मेरे साथ, आपने पहले रिटर्न सबमिट ही नहीं किया, कैन आई फाइल अपडेटेड रिटर्न? यस. आपने पहले रिटर्न भर दिया, कैन आई फाइल अपडेटेड रिटर्न? यस. उसमें कोई तकलीफ नहीं है, बस कुछ बेसिक्स याद रखना है. अपडेटेड रिटर्न भरते वक्त आपका एडिशनल टैक्स पेबल आना चाहिए, पॉइंट नंबर एक. दूसरी बात, अब मैं सोच समझ के एक सवाल पूछता हूं, जवाब देना. अपडेटेड रिटर्न होगा मतलब टैक्स पेबल इंक्रीज होगा, हाँ? अपडेटेड रिटर्न होगा मतलब टैक्स पेबल इंक्रीज होगा, हाँ या ना? आवाज निकालो, हाँ या ना? होगा. क्या मैं कह सकता हूं आपका इंटरेस्ट अंडर 234 ए बी सी भी इंक्रीज होगा, इफ एनी? इफ एनी बोल रहा हूं मैं, सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन ऑब्वियसली, बट क्या आपका 234 ए बी सी भी इंक्रीज होगा? ऑब्वियसली वो भी आएगा, उसका भी कैलकुलेशन दिया है. तो नया सेक्शन ऐड किया गया 139(8)(8A), राइट. और इसी के साथ साथ इसका टैक्स निकालने के लिए एक और सेक्शन को ऐड किया गया इनकम टैक्स में, 140B. ये दोनों भी एकदम नए सेक्शन है. टैक्स कंप्यूट कैसे होगा 140B बताता है, और अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड पावर 139(8A) में लिखे हुए हैं. सेक्शन चालू करते हैं एनी पर्सन से. जिस जिस जगह हाईलाइट करूं और एरो करके लिखूं, प्लीज आप भी उतनी जगह करेंगे, ठीक है. सेक्शन चालू होता है एनी पर्सन. सेक्शन कहां से चालू हो रहा है? एनी पर्सन. जब सेक्शन एनी पर्सन से चालू होता है तो इसके कुछ इंटरप्रिटेशन है. दिस कुड बी इंडिविजुअल एज वेल एज नॉन इंडिविजुअल. मतलब क्या कंपनी भी अपडेटेड रिटर्न सबमिट कर सकती है? यस. क्या फर्म भी अपडेटेड रिटर्न सबमिट कर सकती है? यस. एनी पर्सन, इट कुड बी इंडिविजुअल और इट कुड बी नॉन इंडिविजुअल. दिस मे बी कवर्ड इन टैक्स ऑडिट केस और दिस मे बी कवर्ड इन नॉन टैक्स ऑडिट केस. यानी टैक्स ऑडिट केस वाला भी क्या कर सकता है? रिटर्न सबमिट कर सकता है, अदरवाइज भी रिटर्न सबमिट नहीं भी हो सकता. दिस कुड बी रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट. पॉइंट टू बी नोटेड, नॉन रेसिडेंट भी अपना रिटर्न अपडेटेड कर सकता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ एनी पर्सन लिख करके काम खत्म कर दिया गया. तो प्राइमरी इंटरप्रिटेशन ये है. एनी पर्सन को एरो करके 3 पॉइंट लिखिए. इंडिविजुअल ऑब्लिक नॉन इंडिविजुअल, ऑडिट ऑब्लिक नॉन ऑडिट केस, ऑडिट ऑब्लिक नॉन ऑडिट केस, रेसिडेंट ऑब्लिक नॉन रेसिडेंट. डन. एनी पर्सन मे फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न. मे है मतलब उसके पास क्या आएगा? एक ऑप्शन. मैंडेशन नहीं है, करना ही है. उसके पास क्या आएगा? एक ऑप्शन. एनी पर्सन मे फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न ऑफ हिज इनकम, ऑफ हिज इनकम, ऑफ हिज इनकम. लॉस का नहीं, लॉस का कोई अपडेटेड रिटर्न नहीं है बाबू. ऑफ हिज इनकम और इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन ऑन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल. भैया क्लबिंग वाला सिचुएशन या रिप्रेजेंटेटिव वाला सिचुएशन, मान लीजिए एक असेसी था जो गुजर गया, एक असेसी था जो गुजर गया, उस असेसी के लिए क्या आप अपडेटेड रिटर्न सबमिट कर सकते हो? आंसर इज यस. इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन
और इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पर्सन इन विच ही इज असेसेबल. सो मान लीजिए अगर आप किसी असेसी के लिए रिप्रेजेंटेटिव असेसी है, किसी असेसी के लिए क्या है, रिप्रेजेंटेटिव असेसी है, तो रिप्रेजेंटेटिव असेसी कैन ऑल्सो फाइल एन अपडेटेड रिटर्न. यस, फॉर द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू सच असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल. सेक्शन कब से एप्लीकेबल है? विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2022. यस, सेक्शन कब से एप्लीकेबल है? विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2022. कब तक के अपडेटेड रिटर्न सबमिट किया जा सकता है? क्या टाइम लिमिट है अपडेटेड रिटर्न को सबमिट करने के लिए? अपडेटेड रिटर्न कैन बी सबमिटेड एट एनी टाइम विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. एग्जाम्पल तुरंत आगे लिखा हुआ है, अपडेटेड रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 कैन बी सबमिटेड ऑन और बिफोर 31 मार्च 2025. असेसमेंट ईयर का लास्ट डेट पकड़ना, वहां से 2 साल ऐड कर देना, खत्म हो गया काम. तब तक क्या अपडेटेड रिटर्न क्या कर सकते हो? सबमिट कर सकते हो. हु कैन सबमिट एन अपडेटेड रिटर्न? अपडेटेड रिटर्न कैन बी सबमिटेड बाय एनी पर्सन वेदर और नॉट ही हैज फर्निश्ड अ रिटर्न अंडर 139(1), अंडर 139(4), बी लेटेड रिटर्न, अंडर 139(5), RR, रिवाइज रिटर्न. यस, यानी आपने इसके पहले रिटर्न सबमिट किया या नहीं किया, इररिलेवेंट. आपने इसके पहले प्रभु रिटर्न सबमिट किया या नहीं किया, इररिलेवेंट. आप आज अपडेटेड रिटर्न सबमिट कर सकते हो. चलो कम ऑन, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, अपडेटेड रिटर्न बन सकते हो? यस, वो रिटर्न रिटर्न ऑफ इनकम का होना चाहिए. कुछ बात समझ रहे हो क्या मेरी? अरे भाई साहब, कुछ बात समझ रहे हो क्या मेरी? यस, राइट. सो आपने पहले रिटर्न सबमिट नहीं किया, अब आप रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, क्या ये रिटर्न इनकम का रिटर्न होना चाहिए? यस. मान लो आपने रिटर्न पहले सबमिट ही नहीं किया, अब आप लॉस रिटर्न दे रहे हो, ये अपडेटेड रिटर्न पॉसिबल ही नहीं है. ये अपडेटेड रिटर्न पॉसिबल ही नहीं है. याद रखे, डिपार्टमेंट का फायदा है तो आप अपडेट करेंगे, दिमाग में सेट करके रख लेना बेटा, ठीक है? अच्छा जी सर, एक और बात बताइए. मैंने ओरिजिनल रिटर्न भरा था, अपडेटेड रिटर्न हो सकता है? यस. मैंने रिवाइज रिटर्न भरा था, अपडेटेड रिटर्न हो सकता है? यस. मैंने बी लेटेड रिटर्न भरा था, अपडेटेड रिटर्न हो सकता है? यस. एक ही कंडीशन है, इनकम दिखनी चाहिए. इनकम दिखनी चाहिए, खत्म काम. अपने को पैसा मांगता. यस, अदर पॉइंट्स भाई जी, अदर पॉइंट्स. यस, ध्यान से सुनिए. If a person has sustained a loss in the previous year and he has already submitted the return of loss for that year within the due date, he can furnish an updated return for that year under 139(8)(a) where the return is return of income. A loss return can be updated only with an updated return which reflects income. इसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपके लिए प्योरली एक टेबल बनाया है, ठीक है? इस टेबल को अंडरस्टैंड कर लीजिए, सब समझ आ जाएगा. आपने ओरिजिनल रिटर्न जो भरा था, ये लॉस का भरा था, अपडेटेड रिटर्न भी आपने लॉस का भरा, चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, राइट? बात समझिए. आपको क्वेश्चन इमीडिएट आया होगा, उसका जवाब मैं दूंगा. आपने रिटर्न का भरा था, अपडेटेड रिटर्न लॉस का भरा, पॉसिबल है? नहीं चलेगा. रिटर्न ऑफ इनकम था आपका ओरिजिनल रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न भी आपने इनकम का भरा, चलेगा? यस. ओरिजिनल रिटर्न इनकम का था, अपडेटेड रिटर्न लॉस का है, चलने वाला? नहीं है. लॉस रिटर्न का था, अपडेटेड रिटर्न इनकम का हुआ, चलेगा? गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूं, जो आप यू नो लर्न करो इसको, एक बार सबसे पहले लर्न कर लो इस पॉइंट को, लर्न कर लो. वही मेरा क्वेश्चन है, इसलिए बोला पहले इसको रिवाइज कर लो, वही मेरा क्वेश्चन है इमीडिएट. चलो अब मेरी बात समझिए. इस पॉइंट पे डिपार्टमेंट द्वारा क्लैरिफिकेशन आना चाहिए, ठीक है? जो पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं, इस पर डिपार्टमेंट का क्लैरिफिकेशन आना चाहिए. सपोज मेरा जो ओरिजिनल रिटर्न था, इसके अंदर में मेरा लॉस था 8 लाख, बराबर? जो मेरा अपडेटेड रिटर्न बना, इसके अंदर में मैंने मेरा लॉस क्लेम किया है 4 लाख. इन शॉर्ट मैंने लॉस रिड्यूस कर दिया. अब आपको नहीं लगता मैंने लॉस रिड्यूस किया है,
मतलब मैंने ही अपनी इनकम को इंक्रीज किया है। भाई जी बात समझिए, मैंने लॉस रिड्यूस कर दिया मतलब टेक्निकली मैं ही तो अपने, अरे सेठ मैंने लॉस रिड्यूस कर दिया मतलब मैं अपनी इनकम को इंक्रीज कर रहा हूं ना। कैन अपडेटेड रिटर्न बी सबमिटेड? यस, क्योंकि इस रिटर्न को दिखाने के लिए भी आपको इनकम शो करवानी पड़ेगी अपडेटेड रिटर्न में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो क्या इस पे अपडेटेड रिटर्न सबमिट हो सकता है? आंसर इज यस, होना चाहिए। बट दिस पॉइंट इज ऑल्सो फर्दर सब्जेक्ट टू क्लैरिफिकेशन, बट जनरल रूल यस, इस पे होना चाहिए अपडेटेड रिटर्न, क्योंकि टेक्निकली आप अपना लॉस रिड्यूस कर रहे हैं मतलब आप अपना इनकम ही शो कर रहे हैं। हाँ, इस केस में हमने नहीं क्यों लिखा है, इस अंडरस्टैंडिंग पे कि आपने अपना लॉस दिखाया था पर आपने अपना लॉस इंक्रीज कर दिया, अब अपडेटेड रिटर्न पॉसिबल नहीं है, पर इस सिचुएशन में आपका अपडेटेड रिटर्न जाएगा बेटा। जी इंक्रीज ही करना पड़ेगा। सी आपने पहले 5 लाख की इनकम दिखाई थी, अब आपने 4 दिखा दिया, इनकम रिड्यूस कर रहे थे, अब आपका अपडेटेड रिटर्न का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। उस केस में आप अपने लॉस इंक्रीज कर रहे हो या एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहे हो। अपडेटेड रिटर्न के साथ साथ एडिशनल टैक्स पेबल भी आना चाहिए। यस, एक बहुत सवाल है जो बहुत जोर से मेरे अंदर आ रहा है, 1 साल के कितने अपडेटेड रिटर्न हो सकते हैं एक पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के? ओनली वन। एक असेसमेंट ईयर का सिर्फ 1 अपडेटेड रिटर्न हो सकता है। मतलब तुम क्या चाहते हो, पहले तुमको रिवाइज रिटर्न का भी बेनिफिट दे, बी लेटेड रिटर्न का भी बेनिफिट दे, अपडेटेड दे, उसमें भी तुमको 4-5 बार अपडेट करना है? नहीं पॉसिबल है ना। फॉर वन असेसमेंट ईयर ओनली वन अपडेटेड रिटर्न लिखो, लिखा है फॉर वन असेसमेंट ईयर ओनली वन अपडेटेड रिटर्न। इज दैट डन? दैट्स इट। हाँ जी, मैम डिपेंड करता है वो टैक्स पेबल कम कैसे हो रहा है। हाँ, तो वो डिपेंड करता है एओ अलाउ करता है या नहीं करता है, आप मतलब यू नो वो अलाउड है या नहीं है वो डिडक्शन उस टाइम पे क्लेम करना। दिस सेक्शन डेफिनेटली रिक्वायर मच मोर क्लैरिटी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने मेरी इनकम तो बढ़ा दी पर मेरा टैक्स पेबल रिड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ सम बेनिफिट, तो ऐसे केस में अपडेटेड रिटर्न कर सकते क्या? जनरल आंसर शुड बी यस, क्योंकि आप अपनी इनकम बढ़ा के दिखा रहे हो। अब इस सेक्शन का इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं है कि इनकम बढ़ी तो आपका टैक्स पेबल भी बढ़ना चाहिए, सेक्शन जस्ट सेज आपकी इनकम बढ़नी चाहिए। यस, बट दिस इज फर्दर सब्जेक्ट टू मोर क्लैरिफिकेशन बाय डिपार्टमेंट। यस, बट दिस इज वन ऑफ द हीटेड डिस्कशन, पर इस डिस्कशन को मैं आज पूरा नहीं कर पाऊंगा, कल करना पड़ेगा। यस, आज के लिए रुकूंगा यहीं, प्लीज जाकर के इस बारे में और पढ़ के आइएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। यस, दिस इज द लास्ट सेक्शन आई गेस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में आई गेस हम मोटा मोटी तौर पे इसको खत्म कर देंगे। एक क्वेश्चन आपको दिया है, करके आइएगा।